हेलो साथियों, वेलकम टू सुभाल्या एजुकेशन। मैं शुभम आप सभी का आपके परिवार सुभाल्या एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है? सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सुभाल्या एजुकेशन पर। सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या मेरे साथियों। जल्दी से जल्दी सभी मित्र जुड़ रहे हैं और बताएं कैसे हैं आप सभी मेरे चीतों, क्या हाल चाल है? बोलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कैसा चल रहा है सुबह 8 बजे वाली क्लास? कैसा चल रहा है शाम 7 बजे वाली कॉन्सेप्चुअल क्लास? अक्षिता चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत है, नीलम सैनी जी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी मित्र तेजी से जुड़े और बताएं कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कैसा किया आपने, रिविजन वगैरह कर लिया भैया? क्या आपने रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सेट कर लिया है? क्योंकि कल की क्लास में आखिरी के दो तीन जो टाइप थे ना, उसमें मैंने थोड़ी जल्दीबाजी दिखा दी थी, उसमें बहुत काम करना था आपको। पता नहीं आपने वो काम किया कि नहीं करा। मैंने आपको DPP भी अपलोड कर दी है, सब कुछ कर दिया मैंने। अब डिपेंड ये करता है कि आप उस चीज़ को कितनी बेहतरीन तरीके से रिवीजन में लेते हैं। सबको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है भैया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुख दर्द हो तो बता सकते हैं, अन्यथा आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 12, और नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 12 में दोस्तों हम जीरो थ्योरम की बात करेंगे। चलिए भैया, तो नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 12 में हम क्या करेंगे, जीरो थ्योरम की बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा मोटिवेशन लेने के बाद, मोटिवेशन कुछ ऐसा कहना चाहता है कि हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। देख, कुछ ना कुछ टैलेंट तो सबके अंदर होता है, बस हमें वो अपने उस प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है, उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, उस पर वर्क करने की जरूरत है। बाकी भैया, हुनर तो सब में होता है, फर्क इतना है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो चलो दोस्तों, नमस्ते नमस्ते सभी दोस्तों को, नमस्ते सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, शुभ संध्या सभी का आपके अपने परिवार सुभाल्या एजुकेशन पर मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने लेक्चर नंबर 10 और 11 को बढ़िया सेट किया है, आपने बढ़िया सा रिविजन किया है, आपने जो है DPP सॉल्व कर लिया है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे वाली चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती जाएंगी। तो चलिए मैंने सीतो, ये था आज का मोटिवेशन। और आज की कहानी में हम अपना एक नया थ्योरम पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं जीरो थ्योरम। आज की कहानी में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीरो थ्योरम, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर सिस्टम का मेरे चीतो। अगर हम बात करें तो आज 12वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं दोस्त। और इस लेक्चर नंबर 12 में हम क्या सीखेंगे, शून्यकों का संख्या, ऐसे कह सकते हैं शून्य प्रमेय, इसे हम शून्य प्रमेय भी बोल सकते हैं जीरो थ्योरम को, या नंबर ऑफ जीरो भी चैप्टर को हम बोलते हैं। तो इसके क्या दावपेच हैं, क्या इसके हिसाब किताब है, वो मैं आपको समय के साथ समझाता हूं। जैसे आज के टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोस, इसे आप चाहिए नंबर ऑफ जीरोस कह लीजिए, चाहे तो जीरो थ्योरम कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। बड़े ध्यान से सीखिएगा, मैंने आपसे फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट बड़े क्रूशियल होते हैं, वो अगर आपने समझ लिया तो फिर कहानी में कोई कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं आएगी। दोनों एक ही बात है, इसको बोलते हैं शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या और दूसरा मैंने भाई जीरो थ्योरम यानी शून्य प्रमेय, क्या बोलते हैं शून्य प्रमेय, जीरो थ्योरम यानी शून्य प्रमेय। चलिए यार, हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश करते हैं, कहानी क्या है, कैसा है, किस लिए है, समझाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वाले टाइप में प्रॉब्लम है, रिवाइज करिए भैया, रिवाइज करिए। अब जो भी प्रॉब्लम है वो डाउट के माध्यम से ही आपके दूर होंगे। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार क्लास को शेयर कर दे, सभी साथियों को बता दे क्लास स्टार्ट हो गई है, अगर आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो फिर क्लास करने का विशेष कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों ये कहानी समझने से पहले मुझे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी फैक्टोरियल की। वैसे मैंने आपको फैक्टोरियल समझा रखा कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। अगर मेरे चीतों में फैक्टोरियल की बात करता हूँ, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। किसी भी संख्या के आगे मैंने ये नंबर लगा दिया, जैसे मैंने n के आगे ये साइन लगा दिया,
इसका मतलब फैक्टोरियल ऑफ एन, या इसी एन को मैं इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दूं तब भी इसे बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ एन। इन दोनों का सेंस है फैक्टोरियल ऑफ एन, फैक्टोरियल ऑफ एन। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम से गुणा करना। जिस नंबर के आगे हमने वो फैक्टोरियल लगाया है, एक से लेकर उस संख्या तक का मल्टीप्लाई ही उसका फैक्टोरियल कहलाता है। एक से लेकर उस संख्या तक के मल्टीप्लाई ही दोस्तों इसके फैक्टोरियल कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया था, जैसे मैं कहूं कि एक का फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप कहेंगे एक का फैक्टोरियल तो एक होता है। ऐसे मेरे दोस्तों दो का फैक्टोरियल कहूं तो आप कहेंगे दो का फैक्टोरियल का मतलब एक गुणे दो। ऐसे मेरे चीतों अगर मैं तीन के फैक्टोरियल की बात करूं तो आप कहेंगे इसका मतलब है एक गुड़े दो गुड़े तीन। ऐसे मेरे दोस्तों अगर मैं चार के फैक्टोरियल की बात करूं तो आप कहेंगे एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार। संभाल के चलना जिम्मेदारी के साथ। पांच के फैक्टोरियल की बात करूं तो आप कहेंगे एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार गुड़े पांच। ऐसे मेरे दोस्तों अगर मैं एन के फैक्टोरियल की बात करूं तो फैक्टोरियल को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया? कि जिसके फैक्टोरियल की बात करूं उससे एक कम तक की संख्या का फैक्टोरियल इनटू वो संख्या। नहीं समझ में आया? देखो समझा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूं तो पांच के फैक्टोरियल को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, चार का फैक्टोरियल। चार का फैक्टोरियल मतलब समझ गए ना, एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार और इनटू पांच। कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात में? मैं इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई समस्या थोड़ी है। तीन का फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल, मतलब यहां तक का फैक्टोरियल हो गया, बचा क्या चार। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा आपको। मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, दो का फैक्टोरियल इंटू तीन। ये वाली बात और ये वाली बात दोनों अंतर, दोनों में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं अंतर है। ऐसे मैं चाहूं तो इसको भी लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, क्या एक का फैक्टोरियल इंटू दो। दिख रहा आपको? यानी आप समझ सकते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये तो आपको समय के साथ पता चलेगा। लेकिन आप समझ चुके हैं कि इस बात और इस बात में कोई अंतर नहीं है। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का मतलब होता है एक से लेकर उस संख्या तक का क्रम से मल्टीप्लाई करना। हम जब उसको लिखना चाहे तो हम चाहे तो उसे एक कम संख्या का फैक्टोरियल लिख के वो नंबर अलग से भी दिखा सकते हैं, है ना दोस्त? क्लियर ब्रो? सेट है मामला? अभी दोस्त एक बार क्लास में जुड़े और क्लास को थोड़ा दबा के शेयर कर दे। हम बात क्या करने वाले दोस्तों, ये तो हो गए फैक्टोरियल वाली बात। ये आप समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि हमने आपको फैक्टोरियल वाला खेल यूनिट डिजिट में भी सिखाया था, हमने आपका फैक्टोरियल वाला खेल आपको रिमाइंडर थ्योरम में भी सिखाया था। अब हम आपको फैक्टोरियल वाला खेल जीरो थ्योरम में भी सिखाने वाला हूं मेरे साथियों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है प्राइम नंबर्स पे बेस। यानी किसी भी फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है, ये पहला कॉन्सेप्ट है अपना। इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या क्या होता है। इसे हम हिंदी में अभाज्य संख्या या ऋण संख्या भी बोलते हैं। बड़े संभाल के चलिएगा। पहला टाइप क्या होगा, किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर क्या होगा, ये होगा अपना पहला कॉन्सेप्ट। ये होगा अपना क्या दोस्तों? पहला कॉन्सेप्ट। अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। मैंने आपसे कह दिया ना, स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट होंगे ना, वो बड़े क्रूशियल होंगे। उस चीज को आप जितनी खूबसूरती से समझेंगे, आनंद आएगा आगे के कॉन्सेप्ट में मैक्सिमाइज करने में। मैंने कहा प्राइम नंबर क्या होता, तो आपने कहा प्राइम नंबर का मतलब गुरुजी होता है ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, मतलब जो सिर्फ एक से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, उसे क्या बोलते हैं भैया? प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आपने बता दिया है कि जैसे दो है, जैसे तीन है, जैसे पांच है, जैसे सात है, जैसे ग्यारह है, ये सारे नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर का मतलब ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ना तो संख्या के दो से अधिक फैक्टर चाहिए, ना तो संख्या के दो से कम फैक्टर होने चाहिए। कंपल्सरी है, अनिवार्य है, दो ही गुणनखंड होने चाहिए। और वो दो गुणनखंड में क्या होना चाहिए? एक तो वो खुद और दूसरी एक। प्राइम नंबर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। एक अंक सबसे छोटा प्राइम नंबर, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, याद है या नहीं याद है आपको? ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। एक बार रिवाइज करा दीजिए मुझे यहीं पे। मैं पूछूं मेरे दोस्त, एक अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? मैं आपसे पूछूं एक अंक का सबसे छोटा, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए इस बात को। वैसे इसका यहां आज की क्लास में कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर की बात हो रही तो मैं एक बार लपेट ही देता हूं उसको। बताना जल्दी से रिवाइज करके बताना, पढ़ाया इसी चैप्टर में। एक अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? आप कहेंगे दो होती है। एक अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर मेरे ब्रदर सात होती है। दो अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है ब्रदर? ग्यारह होती है। दो अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर आप कहेंगे 97 होती है। तीन अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर आप कहेंगे 101 होती है। तीन अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 997 होती है।
भैया, चार अंकों के सबसे बड़ी प्राइम नंबर 1009 होता है और चार अंकों के सबसे बड़ी प्राइम नंबर 9973 होता है ना भैया। पांच अंकों के सबसे बड़ी प्राइम नंबर 10007 होता है, 10007 होता है और पांच अंकों के सबसे बड़ी प्राइम नंबर 99991 होता है। क्या ये बात आपको सेट है? यहाँ पे इसकी इस कहानी में जीरो थ्योरम में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हमने आपको इसी चैप्टर में ये कहानी समझाई है, ये खेल समझाया है, तो ये बात आपको बिल्कुल सेट होना चाहिए। ये वाले प्रश्न कई बार आए हुए हैं दिल्ली पुलिस में, कई बार हर एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। कई बार पूछा गया है 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, है ना। ये सारी कहानी आप ध्यान रखिएगा। मैं अब यहाँ पे टॉपिक से अपने भटकना नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक क्या है मेरे भाई, मेरा मेन टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज, मेरा मेन टॉपिक है जीरो थ्योरम। तो मेरे साथियों, मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया है कि हम जीरो थ्योरम में सबसे पहले हम सिखाना चाहते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो आपने कहा गुरुजी फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल लगेगा, एक से लेकर उस नंबर तक का क्रम से मल्टीप्लाई करना है, उसका फैक्टोरियल होता है दोस्तों। फिर मैंने कहा कि जो हमारा पहला टाइप इस कॉन्सेप्ट में आने वाला है, वो आने वाला है किसी भी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर क्या होगा, किसी भी प्राइम नंबर का। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा और मैंने पूछा आपसे, बड़े ध्यान से ईमानदारी से समझना, जल्दीबाजी मत करना, मैंने आपसे कहा यार पांच के फैक्टोरियल में, पांच के फैक्टोरियल में दो का अधिकतम पावर क्या होगा, अधिकतम घात क्या होगा, दो का अधिकतम घात क्या होगा। बड़े ध्यान समझना, ये कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा संभाल के समझ लेना। यानी मैं पूछना चाहता हूं मैक्सिमम पावर ऑफ टू, अगर इंग्लिश नहीं लिखूंगा तो प्रकाश भी गुस्सा हो जाएंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ टू इन फाइव फैक्टोरियल, समझेगा मेरे भाई, बड़े ध्यान से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेगा। तो मेरे दोस्त, मैंने आपसे पूछा क्या पूछने वाला हूं, किसी भी प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर के बारे में बात करता है। पहला टाइप हमारा यही है, किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर आपसे पूछता है, ये अपना पहला टाइप होने वाला है। बड़े संभाल के समझना, मैक्सिमम पावर पूछता है यानी किसी भी प्राइम नंबर का अधिकतम घात किसी भी फैक्टोरियल में क्या हो सकता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में मेरे दोस्तों। बड़े ध्यान से सीखिएगा मेरे चीतों। तो मैं आपसे कहूंगा, जैसे मैंने कहा पांच का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे पांच के फैक्टोरियल का मतलब है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यही तो है पांच का फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने क्या पूछा है दोस्तों, पांच के फैक्टोरियल में दो का मैक्सिमम पावर क्या है, और आप जानते हैं दोस्तों दो एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो अगर मैं पूछूं दो का मैक्सिमम पावर क्या है, यानी आपसे मैं ये जानना चाहता हूं इसके अंदर दो का पावर कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 1 2 तो यहां है, 4 के अंदर कितने दो है, 2 2 है भैया, 2 में क्या है 1 ही 2 है, लेकिन 4 के अंदर अगर आप ध्यान दें कि 4 का मतलब क्या है, 2 × 2 है, बताइए और कहीं 2 है, नहीं है। तो 2 का मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रहा है, 2 की पावर 3 दिख रहा है, समझ में आ रही बात। ऐसे नहीं करना अपने आपको, अभी तो मैं आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट घुसा रहा हूं। मैंने कहा मेरे दोस्तों कि पहला अपना कॉन्सेप्ट है किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है। पहला एग्जांपल हमने दिया कि 5 के फैक्टोरियल में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो मैंने कहा कि 5 के फैक्टोरियल का मतलब मेरे साथियों 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई, और अगर मैं इसमें 2 गिनने लग जाऊं तो यहां 2 है और यहां 2 2 है, तो कुल मिला के कितने 2 है मेरे भाई, 3 2 है। तो 2 का मैक्सिमम पावर मेरे चीते यहां क्या निकलेगा, आप कहेंगे 3 निकलेगा। फिर मैं आपसे कहूंगा, क्या कहूंगा मेरे भाई, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया मेरे दोस्त मुझे बताइए कि 10 के फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर बताना, आपने मैक्सिमम पावर बताना है किसका, 2 का, और किसका बताना है, 3 का, और किसका बताना है, 5 का। जो जो प्राइम नंबर से उनका निकाल आराम से निकाल सकते हैं आप, तो जो प्राइम नंबर से हम बात कर रहे हैं किसी भी फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है। तो बेसिक तरीका यह है मेरे दोस्तों कि 10 का फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 10 तक की संख्या का मल्टीप्लाई, यही तो है इसका मतलब। इसको ऐसे नहीं करना यार, इसे कैसे करना मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाना, अभी जल्दीबाजी मत करना मेरे भाई। मैंने कहा 10 के फैक्टोरियल के अंदर अगर मैं बात करूं कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो आप कहेंगे 2 1 यहां है, 2 2 यहां है, यानी हो गए 3, 1 2 यहां है, 6 के अंदर 1 ही 2 है, 8 के अंदर 3 2 है, ध्यान से देखिएगा 8 के अंदर कितने 2 है, 3 2 है, और 10 के अंदर 2 × 5 यानी 1 2 है। तो अगर मैं पूछूं 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 10 के फैक्टोरियल के अंदर, तो आप कहेंगे गुरुजी 2 और 1 3 3 6 और 1 7, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है मेरे भाई, 7 है। अब अभी तो ये वैल्यू काफी छोटी है, तो आप गिन भी सकते हैं, मैनुअली गिन सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहीं पे 70 का फैक्टोरियल दे दूं, यहीं पे 1008 का फैक्टोरियल दे दूं, यहां पे बड़े नंबर का फैक्टोरियल दे दूंगा, तो क्या आप इस तरीके से काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
अभी मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट इंजेक्ट कर रहा हूं और कॉन्सेप्ट इज किंग, फोकस करके समझना। मैंने मैंने पूछा आपसे, मुझे बताइए मेरे चीतो, इसमें तीन का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है? तीन भी प्राइम नंबर है, एक तीन यहां है, एक तीन यहां है, छह के अंदर दो तीन यहां है, नौ के अंदर क्या है, दो तीन है, दो तीन यहां है, कितने तीन हो गए भैया, चार तीन हो गए, एक दो तीन चार, तो तीन का मैक्सिमम पावर क्या बनेगा ब्रदर, चार बनेगा। मैं पूछू दस के फैक्टोरियल में पांच का मैक्सिमम पावर बताइए, तो आप कहेंगे पांच, एक पांच यहां है और एक पांच यहां है, दो ही पांच है, तो पांच का मैक्सिमम पावर क्या बनेगा ब्रदर, दो बनेगा। पांच का मैक्सिमम पावर क्या बनेगा मेरे दोस्तों, दो बनेगा। गिन लीजिए एक बार फिर से, एक दो तीन, एक चार, चार चार तीन सात एक आठ, आठ है भैया, काउंट सही से करिए, आठ है ना, एक यहां है ना, एक यहां है, दो यहां है, तीन और एक चार, चार चार आठ, आठ है, कितने हैं भैया, आठ है। तो जब आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों दस के फैक्टोरियल में दो का मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप कहेंगे आठ है। देखिएगा बड़े संभाल के चलिएगा, स्टार्टिंग में गलती ना हो, आठ है। तीन का मैक्सिमम पावर चार है, पांच का मैक्सिमम पावर क्या है, दो है। मेरे चीतो, जो हम मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं ना, वो हम प्राइम नंबर्स के ही मैक्सिमम पावर की बात कर सकते हैं, और एक्चुअली में इसको ऐसे निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसका करने का सही जुगाड़ जो है ना, अपना ये वाला जुगाड़ है, कौन सा वाला जुगाड़, एलसीएम वाला जुगाड़। जैसे मैंने कहा पांच के फैक्टोरियल में मेरे दोस्तों आपको देखना है कि दो कितने हैं, तो फर्दर आप दो से डिवाइड करना शुरू करिए, दो से करेंगे तो दो दूनी चार, समझिएगा आप जुगाड़, डायरेक्ट बता रहा हूं, तो दो से डिवाइड करेंगे दो दूनी चार, दो फिर से डिवाइड होगा तो दो एक का दो, नंबर ऑफ दो कितने हैं मेरे भाई, तीन, यहां से क्या पता चल गया, तीन, और यहां भी आंसर कितना आया था, तीन। इधर आइए, मैंने कहा दस के फैक्टोरियल में क्या पता करना है, दो पता करना है, तो दो से फर्दर डिवाइड करिए यार, दो से पांच बार में, दो से अगेन दो बार में, दो से अगेन एक बार में, जितनी बार डिवाइड जा सकता है उतनी बार आप डिवाइड करिए। नंबर ऑफ दो की बात करिए तो आप कहेंगे पांच और दो सात और एक आठ, दो का मैक्सिमम पावर कितना मेरे ब्रदर, आठ। आपसे पूछा जाए तीन का बताइए दस के फैक्टोरियल में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो जिस भी प्राइम नंबर की हम बात करेंगे फर्दर हम उससे डिवाइड कर रहे होंगे, तीन तरीका नौ, फिर तीन से एक बार में। नंबर ऑफ तीन के पावर की बात करें मैक्सिमम पावर की, तो आप कहेंगे तीन और एक चार, कितने मेरे भाई, तीन और एक चार, चार, देखिए मैच करिए, चार, बिल्कुल सेट। मैं आपसे पूछूं दस के फैक्टोरियल में पांच की पावर कितना है, मैक्सिमम तो पांच का पांच एक ही है, पांच दूनी दस दो है, कितनी बार, दो बार गया तो दो आ गया। मतलब मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जब भी हम किसी भी फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, किसी प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, उस प्राइम नंबर से उसमें फर्दर डिवाइड करते रहते हैं। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि हमारा जो है लास्ट रिमाइंडर उस प्राइम नंबर से छोटा ना हो जाए, उस प्राइम नंबर से क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए, जब तक हम डिवाइड करते हैं और सारे नंबर हम कैलकुलेट कर दें, सारे नंबर अगर हम कैलकुलेट कर दें तो वो बन जाएगा उसका क्या, मैक्सिमम पावर बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे चीतो, मैक्सिमम पावर बन जाएगा। अब एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया सत्तर के फैक्टोरियल में सात का मैक्सिमम पावर बताइए, पहला क्वेश्चन, सात का मैक्सिमम पावर बताइए। मैंने कहा मेरे दोस्तों, अगला एग्जांपल देता हूं, 101 के फैक्टोरियल में, 101 के फैक्टोरियल में पांच का मैक्सिमम पावर बताइए। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको इसी लगे हाथ, 127 के फैक्टोरियल में 11 का मैक्सिमम पावर बताइए। ये तीन प्रश्न आपके सामने हैं, इसको लपेटो, पहले आप धराटेदार तरीके से लपेटिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े धैर्य बना के चीजों को सीखेगा, बहुत आनंद आएगा, कॉन्सेप्ट इज किंग, जितना प्यार से आप कॉन्सेप्ट समझेंगे उतना मजेदार तरीके से ये पूरा चैप्टर आज समाप्त होगा। शुरू के आधे घंटे जितना बेहतरीन आप डिलीवर करेंगे, आगे के जो डेढ़ घंटे है ना वो उतना आनंददायक रहेगा, उतना ही धराटेदार तरीके से आप इसको लपेट पाएंगे। चलिए भैया समय भी दे देता हूं, अब आपको टाइमर भी लगा देता हूं आपके सामने, कि थोड़े से समय आपको लगेंगे ना ये प्रश्न करने में, ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए लेकिन थोड़े बहुत तो समय आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो आप ज्यादा समय ले लेंगे। थोड़ा सा समय मैं सेट कर देता हूं 25-30 सेकंड, ताकि आप इन प्रश्नों को करें तो एक समय सीमा के अंदर करें। ये तीन प्रश्न है जिसमें मैं पूछ के आ रहा हूं, पहले प्रश्न में फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 70 फैक्टोरियल, पहला प्रश्न। दूसरा, फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इन 101 फैक्टोरियल। फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 11। फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 11 इन 127 फैक्टोरियल। ये आपका प्रश्न है, बहुत धैर्य बना के बहुत आराम से चलना।
चलिए भैया समय होता है समाप्त, अब हम आपको समझाते हैं। मैंने कहा एक तरीका तो खोल के करने में है, और वो खोल के करना बस छोटे छोटे नंबरों में पॉसिबल है, बड़े बड़े नंबरों में हम बर्बाद हो जाते हैं। तो इसका जुगाड़ अपना हमने क्या सीखा, कुछ नहीं करना, जिसका फैक्टोरियल, अगर जिसका फैक्टोरियल हमसे जिसका मैक्सिमम पावर पूछ रहा है वो प्राइम नंबर है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 7 से डिवाइड करेंगे ब्रदर 10 बार में, अगेन 10 में 7 से डिवाइड जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, कितनी बार में, एक बार में। तो नंबर ऑफ अब डिविजन, अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पावर कितना बनेगा, 11। तो पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा कि 7 का मैक्सिमम पावर क्या होगा इसमें, 11 होगा। अगले प्रश्न में आते हैं मेरे दोस्तों, 101 के फैक्टोरियल में 5 का मैक्सिमम पावर अपन को बताना है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका हमें मैक्सिमम पावर बताना है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, अगर वो प्राइम नंबर है वो किसी से नहीं कटता फिर तो ये अप्रोच बिल्कुल ईजी है। डिवाइड करेंगे 5 × 2 = 10, जितनी बार एग्जैक्ट जाएगा उतनी बार ले जाएंगे, 5 × 4 = 20, अब डिवाइड नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 की अगर हम बात करें तो 20 × 4 = 24 होने वाला है। दूसरे प्रश्न का जवाब है 5 के पावर 24, मैक्सिमम पावर बनेगा 5 के पावर क्या बनेगा भैया, 24 बनेगा। 25 कैसे दे रहे हैं यार ये लोग, तुक्का चला रहे हैं क्या। मैंने कहा 127 के फैक्टोरियल में 11 का मैक्सिमम पावर बताना आपने, तो 11 से डिवाइड करेंगे 11 का 11 17 11 का 11, फिर से करेंगे 11 का 11, नंबर ऑफ पावर कितना बनेगा 12, यानी 11 का मैक्सिमम पावर क्या बनेगा ब्रदर 12 बनेगा। एक बार इस बात को पचा लीजिए, सब उल्टे सीधे आंसर दे रहे हैं, कोई तो एक सही का आंसर दो यार। पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 11 होने वाला है। अगर आपको ना समझ आया तो जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि ये मैं रटा नहीं रहा हूं, ये आपको लॉजिकल तरीके से मैं समझा रहा हूं। दूसरे वाले प्रश्न का जवाब जिनका 24 है वो बिल्कुल सही है, और तीसरे वाले प्रश्न का जिनका जवाब 12 है वो बिल्कुल ठीक है। ये 3 जवाब आपके आने चाहिए। दीक्षा साहू जी, इतना लंबा जवाब आप कैसे दे रहे हो, 59 इतना बड़ा पावर कैसे आ सकता है मेरे भाई, कैसे आ रहा ब्रदर। देखो करो तो बहुत ईमानदारी से और बड़ा फोकस होके करो, किसी का कॉपी मत करना। जब भी आंसर देना तो अपने ऊपर डिपेंडेंट होना, चाहे आपकी किसी प्रश्न की बात हो चाहे आपकी जिंदगी की बात हो, आत्मनिर्भर होना बड़ा जरूरी है। जब भी आपको कोई प्रश्न आपके सामने आए पेन पेपर लेके बड़ी ईमानदारी से सॉल्व करिएगा, आंसर आए जो आए वही दीजिए, किसी का क्या आंसर है डजंट मैटर, आपका क्या रहा वो दीजिए आप। क्लियर ब्रो, सेट मामला, डन दोस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या। पहले प्रश्न का 11, दूसरे का 24 और तीसरे का मेरे दोस्तों 12 है। समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, ना आया है तो पूछना, अभी जल्दीबाजी मुझे किसी भी बात की नहीं है। एक और चलते चलते एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल मैंने दिया मेरे भाई, थोड़े से बड़े नंबर का एग्जांपल दे देता हूं आपको। बड़े नंबर का मतलब जैसे मान लीजिए कि 781 के फैक्टोरियल में 781 का फैक्टोरियल लिखा है, 781 का फैक्टोरियल लिखा है मेरे भाई, और 781 के फैक्टोरियल में अगर आपसे पूछा जाए 7 का मैक्सिमम पावर, 781 के फैक्टोरियल में 7 के मैक्सिमम पावर की बात करी जाए तो आप क्या जवाब देंगे, एक ये जवाब भी दे दीजिए चलते चलते। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको मेरे भाई, एक और एग्जांपल दे देता हूं, 129 के फैक्टोरियल में, 129 के फैक्टोरियल में, 129 के फैक्टोरियल में 3 का मैक्सिमम पावर बता दीजिए। बस ये दो प्रश्न और कर लीजिए, फिर हम अपनी गति को थोड़ा सा दूसरी दिशा में मोड़े, अपने कॉन्सेप्ट को हम दूसरी दिशा में फिर मोड़ेंगे मेरे भाई। हेलो हेलो चलिए भाई, दो प्रश्न और कर लीजिए। आप लोगों ने अगर पिछले 3 प्रश्नों के जवाब सही दिए होते तो ये 2 प्रश्न और मुझे नहीं कराने होते, लेकिन लेकिन अगर आपने नहीं जवाब दिए हैं इसलिए हमारे पास ये 2 प्रश्न और आ गए। चलिए भैया खेलिए, ईमानदारी से खेलिए। चलिए भैया 781 के फैक्टोरियल में 7 का मैक्सिमम पावर बताना है, तो चलिए 781, 7 के मैक्सिमम पावर की बात करें तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 × 7 = 7 फिर से डिवाइड करेंगे भैया 7 × 7 = 4 × 7 = 35 फिर से डिवाइड करेंगे भैया 7 × 2 = 14 कितने बनेंगे मेरे भाई। मैक्सिमम पावर की बात करेंगे
ये पूरे जोड़ लीजिए, यही आपका मैक्सिमम पावर बनेगा 111 और प्लस 5 और 1 6 और 1 7, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8 और 2 128। पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आएगा 128। मैच कर रहा है क्या? बहुत बढ़िया। ललित भैया कौन सा रिपीट करना बोलो तो, मैंने ध्यान नहीं दिया कमेंट पे, दोस्त आपके कमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहे हैं। क्या कौन सा रिपीट करना बोलो मेरे भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। 129 के फैक्टोरियल की बात कर ले दोस्तों, अगर मैं 129 के फैक्टोरियल की बात करूं, इसके अंदर तीन ढूंढने लग जाऊं तो आप कहेंगे 3 × 12, 3 × 53, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 12, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 12, फिर 3 से 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो 4। अब जोड़ लीजिए भैया कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक के नंबर जोड़ने हैं आपने, 4 × 1 = 5, 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, फिर ही आएगा 4 × 4 = 8, 4 × 1 = 5 × 1 = 6, 62। तो जिसका आंसर 62 और 128 आया है बिल्कुल सेट है, और इस बार सभी दोस्तों के सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है। मुझे लगता है कि अब आप बिल्कुल सेट हो गए हैं। जब भी दोस्तों कभी भी किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर की बात करता है, उन प्रश्नों को हम इस तरीके से आराम से लपेट सकते हैं। किसी प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर की बात करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरीके से दोस्तों लपेट सकते हैं। क्लियर है ब्रो, सेट है? दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए, अन्यथा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा नए फ्लेवर से आपको बात कराते हैं। थोड़े से प्रश्नों में क्या करते हैं, नए फ्लेवर लेके आते हैं। नए फ्लेवर का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया, मेरे दोस्त मुझे बताइए 50 के फैक्टोरियल में 6 का अधिकतम घात क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, जवाब दीजिएगा एक बार। 50, मैंने क्या कहा मेरे भाई, 50 के फैक्टोरियल में 6 का अधिकतम घात क्या होगा, 6 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 6 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, ये आपका प्रश्न है, आपका अगला वाला प्रश्न। बड़े संभाल के समझिएगा, पहले एक बार चाहिए तो आप जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का, अगर आप देना चाहें तो। प्रश्न ये है मेरे दोस्त, फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 6, फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल ऑफ 50। 50 के फैक्टोरियल में 6 के अधिकतम, छोटू कह रहे सर समझ नहीं आया, अभी आए हो मेरे भाई, अभी आए हो, अगर मेरे दोस्त अभी आए हो तो इरिटेट कर रहे हो फिर तो तुम, अगर तुम शुरू से हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, अगर आप शुरू से हैं, स्टार्टिंग से हैं, बिल्कुल .7 बजे से हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि बीच में आके हम तांडव मचा के फिर से क्लास को स्टार्ट करवा देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी बुरी आदत है, क्योंकि क्लास आगे भी बढ़ाना है, एक कॉन्सेप्ट एक ही दिन का है, और एक ही छोटी सी बात को पकड़ के हम घसीटते रहेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। अब समझने वाली बात ये है मेरे दोस्त, फिर से बता देता हूँ यार छोटू भैया, यार सच में मतलब इतना डेडिकेशन हो के साथ मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप जब ये कहते हैं सर समझ नहीं आया ना, तो फिर दिल टूट जाता है, क्योंकि हमने आपको शुरू से कनेक्ट कराया है चीज़ों को। मैंने कहा कि हम नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं, हम दोस्तों जीरो थ्योरम की बात कर रहे हैं, हम जीरो थ्योरम की बात कर रहे हैं। अब जीरो थ्योरम पढ़ाने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फैक्टोरियल बताना पड़ेगा। फैक्टोरियल दोस्तों यही है, अब आगे लाइन पे लेट आए थे, अब अपनी गलती स्वीकार करेंगे नहीं, पूरी क्लास को सर पे उठा लेंगे। दोस्तों क्लास में समय से आना बहुत कंपलसरी है, क्या मुझे आपने कभी देखा है 1 मिनट भी लेट, क्या मेरा मन नहीं करता है 2-5 मिनट लेट आऊं, थोड़ा सा भोकाल टाइट करके चलूं। समय की कीमत समझो, अन्यथा जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, टाइम इज मनी मेरे दोस्तों। मैंने आपसे कहा कि हमें नंबर ऑफ जीरो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें जीरो थ्योरम पढ़ना है, तो सबसे पहले फैक्टोरियल समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि जिस संख्या का फैक्टोरियल की बात करेंगे, एक से लेकर उस संख्या का मल्टीप्लाई ही उसका फैक्टोरियल होता है, जो हमने आपको समझाया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर, किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर क्या होगा, यही आपका पहला टाइप है। तो मैंने कहा प्राइम नंबर क्या होता है, वो तो आप पहले से भी जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी से भी ना कटे, एक से और स्वयं से कटे, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर मैंने प्रश्न देना शुरू किया कि 5 के फैक्टोरियल में 2 का अधिकतम मान बताइए, बेसिक तरीके से समझाया। तो आपने कहा कि 2 कितने हैं इसमें, 1 यहाँ 2 है, 4 के अंदर 2 है, तो कितने हैं, 3 है। मैंने कहा ऐसे करेंगे मैनुअली तो बहुत टाइम लगेगा, इसका डायरेक्ट तरीका यह है कि आप एलसीएम वाले तरीके से इसको लपेटिए, जो भी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर पूछेगा उसी से फर्दर डिवाइड करिएगा। जैसे 2 × 2 = 4, 2 बार डिवाइड गया, फिर 2 से 2 बार, 2 × 1 = 2, 1 बार गया, कुल मिला के कितने हो गए, 3 हो गए, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 होगा।
अगला एग्जांपल हमने दिया 10 के फैक्टोरियल में कितने मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितना है, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 कितना है, मैक्सिमम पावर ऑफ 5 कितना है। जब जब हम किसी प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर ऑफ की बात करते हैं, प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर की बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, फर्दर हमें उसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, कुल मिला के 5, 2, 7 = 8, मैक्सिमम पावर 8। मैंने कहा 3 ढूंढना है तो 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, कितने भैया 3 और 1 = 4। मैंने कहा 5 ढूंढना है तो 5 × 2 = 10, कितने भैया 2। और एग्जांपल दिया हमने 70 के फैक्टोरियल में 7 बताइए तो फर्दर 7 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। 101 के फैक्टोरियल में 5 बताइए तो 5 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। 127 के फैक्टोरियल में 11 बताइए तो 11 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। 781 के फैक्टोरियल में 7 बताइए तो 7 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। 129 के फैक्टोरियल में 3 बताइए तो 3 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। मतलब हमने आपको ये समझाया दोस्त कि जब भी किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर की बात करी जाएगी तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्त, अब आपने अब इतना दिमाग की दही करी है तो एक दो क्वेश्चन कर ही लो यार, लो एक दो क्वेश्चन पहले कर लो आप, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलूंगा। समय से आइए मेरे दोस्त, पूरा क्लास खत्म खराब हो जाती है। अगर एक भी बंदा 1 सेकंड का भी लेट करेगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। रिपीट होने का चांस, मतलब जितना मैं फ्लेक्सिबल हो रहा हूँ उतना आप उस बात का फायदा उठा रहे हैं। कीमत करिए समय की यार, टाइम इज मनी, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में आपने समय की कीमत नहीं की तो आप एक्चुअली में सफल होने के हकदार भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? पता नहीं है आपका नाम, गूगल अकाउंट के नाम से आ रहा। मेरे भाई आप जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारी अर्थमेटिक मैंने पढ़ा रखी है, पूरी अर्थमेटिक सिस्टमेटिक पढ़ा रखी है। या अभी रुकेंगे आप तो क्लास के बाद मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप इस क्लास में आए हैं तो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, आप अभी से पढ़ लीजिए। लेकिन लेक्चर नंबर 1 से जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ आपको बड़ा बेहतर और बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेगा। फिर आखिरी में आप थोड़ा मिलिएगा मुझसे तो मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल अभी पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लपेटना शुरू करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कह रहा 270 के फैक्टोरियल में 3 का उच्चतम घात ज्ञात करिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया किसी भी प्राइम नंबर के बारे में जब भी बात करेगा तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें उस नंबर में फर्दर उसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहना है। 3 × 3 = 27, 90 बार में 3 से डिवाइड करेंगे अगेन तो 30 बार में, फिर से 3 से अगेन डिवाइड करेंगे 3 × 30 = 30, 10 बार में, फिर से डिवाइड करेंगे 3 × 9 = 9 लगभग 3 बार में, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में। तो जो पहला डिजिट था उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर जोड़ लीजिए, यही होगा इसका मैक्सिमम पावर। 90 + 20 = 120, 90 + 30 = 120, और 10 = 130, और 3 = 33 = 134। अगर आपसे पूछ रहा है कि 270 के फैक्टोरियल में 3 का उच्चतम घात क्या है तो आप कहेंगे 134। अब समझ में आया भैया छोटू जी, आई बात गई समझ में? बहुत बढ़िया, लीजिए और करिए, टेंशन मत लीजिए यार। मैं जब इतनी प्रैक्टिस कराता हूँ तो आप उस बात का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, आपका जो भी नाम है सर, आपसे मैं वार्तालाप करूंगा, लेकिन अभी क्लास के बीच में थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी करना है अभी और समाप्त भी करना है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। थोड़ा सा फोकस होकर अभी पढ़ेंगे, लास्ट में बात करेंगे क्लास के एंड में जो भी आपकी डाउट्स हैं। 784 के फैक्टोरियल में 7 का अधिकतम घात ज्ञात करें, फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 in 784 फैक्टोरियल। तो चलिए वही कहानी है यार, जब तक प्राइम नंबर आपको ढूंढना है ना तब तक टेंशन तो कतई लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो किसी से कटेगा ही नहीं ना, तो बस मामला रफा दफा कर देंगे। 7 × 7 = 7, बचेगा 14, 7 × 2 = 14। ठीक है ब्रदर, 7 से वापस डिवाइड करेंगे, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 4, 7 × 42, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 2 = 14। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लेने का मेरे ब्रदर। मैक्सिमम पावर पूछ रहा था तो आप कहेंगे 112 + 16 = 128, और 2 = 130। मैक्सिमम पावर ऑफ 7 क्या होगा मेरे भाई? 784 के फैक्टोरियल में 130 आएगा, और सभी साथियों के बिल्कुल परफेक्ट और सटीक जवाब है, सभी साथियों के बिल्कुल सही और परफेक्ट और सुकून देने वाले जवाब है मेरे दोस्तों। लीजिए अगला प्रश्न देखिए, 2-3 प्रश्न कराएंगे, दिमाग अपना अपने आप सेट हो जाएगा। जबकि आपको मेरी आदत पता है कि मैं एक ही चीज़ को कई बार कराता हूँ, बार बार कराता हूँ, हजार बार कराता हूँ, प्रैक्टिस इतना करा देता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बस आप थोड़ी सी चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू करिए। एग्जाम्स बिल्कुल डिसाइडेड हो चुके हैं, जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे, इलेक्शन के बाद से सारे एग्जाम्स आपके शेड्यूल्ड है। फेज 12 के एग्जाम शेड्यूल है, CPU के एग्जाम शेड्यूल है, दिल्ली SI का एग्जाम शेड्यूल है, CHSL का भी जुलाई के फर्स्ट वीक से शेड्यूल हो जाएगा, CGL भी बहुत जल्दी आ जाने वाला है। तो कुल मिला के बैक टू बैक एग्जाम्स हैं दोस्त, अब ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, लपेटिए। कह रहा है
अब ये क्वेश्चन अलग डिजाइन का है लेकिन है वही प्रश्न, जैसे ये लिखा है एक गुड़े एक से लेकर कहां तक 127 तक, तो एक्चुअली में क्या लिखा है 127 का फैक्टोरियल ही तो लिखा मैंने भाई, एक से लेकर 127 तक का मल्टीप्लाई लिखा है, इसका मतलब 127 का फैक्टोरियल लिखा है और हमसे कह रहा है 5 की पावर n से डिवाइड करो n का मान बताओ, तो भैया इसका मतलब हमें क्या बताना है, 5 का मैक्सिमम पावर ही तो बताना है यार। इस क्वेश्चन का कलर डिजाइन चेंज है, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज है, क्वेश्चन तो वही है, 5 एक प्राइम नंबर है हम ढूंढ लेंगे यार, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 बचे 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे ब्रदर, 5 बचे 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे ब्रदर, 5 एका 5, और मैक्सिमम पावर ऑफ 5 यानी n का मान अगर मुझे बताना है तो आप कहेंगे 25 5 30 और 31 आपका n का मैक्सिमम मान आएगा, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इज 31 इन 127 फैक्टोरियल, 127 फैक्टोरियल। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी ये बात, अब उम्मीद होती है कि है मुझे कि आपको ये बात अब समझ में आ रही होगी, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं जो बता रहा था वहां चल जाऊं, अभी छोटू भैया क्लियर हो गया है, मैंने थोड़ा सा कड़वा बोला, आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए बोला भैया, समय की कीमत करिए। बाकी ऐसा हमेशा कोशिश करिए कि आपकी वजह से बाकी लोगों का कोई भी बर्बादी ना हो, जैसे किसी एक की वजह से अगर पूरी क्लास को मुझे आधे घंटे पीछे ले जाना पड़े तो बहुत बड़ी दुख की बात है, इसलिए समय की बहुत इंपॉर्टेंस रखिए। जिंदगी में अगर आप पंक्चुअल हो गए ना तो 100% आप हमेशा सफल होंगे। समय की कीमत जो समझ गया वो खेल गया मेरे भाई। कह रहा भैया एक से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई, यानी एक्चुअली में 100 का फैक्टोरियल ही तो लिखा मेरे भाई, एक से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई का मतलब 100 का फैक्टोरियल, और डिवाइड 3 के पावर एन, यानी 3 हमें ढूंढना है इसके अंदर, 100 के फैक्टोरियल के अंदर अगर अपन को 3 ढूंढना है, और चूंकि एक 3 प्राइम नंबर है तो 3 3 का 9 है ना, 3 3 का 9 बचेगा, 1 3 3 का 9, अगेन फिर से 3 ढूंढेंगे, 3 1 का 3 3 1 का 3, अगेन 3 ढूंढेंगे तो 3 3 का 9, अगेन 3 ढूंढेंगे तो 3 1 का 3। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल ईजी बात है, यहां से आप कह पाएंगे कि हाँ बात बन रही है, 33 प्लस 11 44 44 और 3 47 और 48, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ 3 in 100 फैक्टोरियल इज 48, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 in 100 फैक्टोरियल इज 48, बिल्कुल ईजी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी कोई भी समस्या यहां तक की बातों में आई है तो अभी बता दीजिए, तुरंत के तुरंत बता दीजिए अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आई है, और नहीं आई है तो हम जहां थे वहीं आ जाते हैं, अगर आपको दिक्कत नहीं आई है तो यहां आ जाते हैं। अब ये प्रश्न था और इस प्रश्न का जवाब मुझे याद है, तुम नासपीटो ने क्या दिया था, इस प्रश्न का जवाब मेरे चपड़गंजों ने दिया था, 6 8 48 6 का 6 7 दिया था बहुत सारे नासपीटो ने। एक बार फिर से प्रश्न को देख लो ध्यान से, लिखा है 50 के फैक्टोरियल में 6 का अधिकतम मान। मेरे नासपीटो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बताई है, किसी भी संख्या में किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर अगर आपसे पूछे तो उस प्राइम नंबर से आप फर्दर डिवाइड करके उसका मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या इस बात की मेरे ब्रदर कि 6 क्या कोई प्राइम नंबर है? अरे भैया 6 कोई प्राइम नंबर है? तुमने आंख बंद करी है, एक जैसे वैसे लगता है जैसे कोई मशीन है उसमें डाला बाजरा और चारा निकला जा रहा है, अब कुछ भी डालो चारा ही निकालते जाएंगे। अरे भैया थोड़ा मूड को चेंज भी तो करो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये 6 कोई प्राइम नंबर है क्या? है प्राइम नंबर? नहीं प्राइम नंबर है। अब तुम्हारा दिमाग की दही होगी भैया, समझो बात को समझो। मैंने कहा 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, आपने तो गुरुजी ये सिखाया कि किसी भी फैक्टोरियल में कोई प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर निकालना है उसे फर्दर हम डिवाइड करते हैं, लेकिन समस्या इस बात की तो 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं गुरुजी, अब बताओ आप क्या करें। तो मैंने कहा यार 6 नहीं है प्राइम नंबर, कोई बात नहीं है, 6 के अगर मैं जुगाड़ बनाऊं तो 6 का जोड़ा बनता है। 6 जो है ना एक तरीके से ऐसे समझ लो कि 6 एक कंप्लीट नंबर है, 6 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 6 दो प्राइम नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, 6 दो प्राइम नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। बड़े ध्यान से देखिएगा तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये 2 है, 2 को हम मान लेते हैं, क्या मान ले, 2 को हम मान लेते हैं, कहां गया मेरा नासपीटा, ऐसा नासपीटा जो बुरा ना माने, कहां गया भैया वो प्रकाश, प्रकाश कहां हो भाई तुम, हाँ मान लो इस 2 को मैं मान लेता हूँ प्रकाश और इस 3 को मैं मान लेता हूँ प्रकाशी, तो प्रकाश और प्रकाशी का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक ये 6 का फॉर्मेशन होगा नहीं, ये आप जानते कि नहीं जानते। सबसे बड़ी समस्या ये है मेरे दोस्त कि किसी भी फैक्टोरियल के अंदर हम प्राइम ढूंढने का वो तरीका बताए थे, कोई भी नंबर मुंह उठा के आएगा तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टूट जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, वो कहीं और फिसल जाएगा। प्राइम नंबर क्या है, एक सख्त लौंडा टाइप का है, प्राइम नंबर क्या है, बिल्कुल स्टेबल है, वो इधर उधर नहीं देख सकता, उसका बिल्कुल सेटिंग फिक्स है, वो है और एक है, वो खुद है अपना सेटिंग और उसका एक सेटिंग कौन है, एक है, उसके अलावा कोई तीसरे पे उसकी नजर नहीं है। लेकिन ये नासपीटे ऐसे नंबर है 6 वाले नंबर जो कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो मतलब रंगीले मिजाज के होते हैं,
कहीं भी कुछ भी कुछ भी किसी से भी, वो वाली कहानी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, इन रंगीले नंबरों से बड़ी दिक्कत है हमें। जब तक प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर निकालना था हमें कोई टेंशन नहीं थी, हमें पता है ये प्राइम नंबर लॉयल होते हैं, इनमें सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, तो निकालना बड़ा आसान है मेरे दोस्त, निकालना बड़ा आसान है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जैसे ये कंपोजिट नंबर आएंगे जिसमें दो से अधिक फैक्टर आएंगे तो इनके क्षमता से हमें डर लगता है, ये कहीं भी किसी से मैच कर जाएंगे, कहीं भी किसी से डिवाइड हो जाएंगे, कहीं भी किसी से पिघल जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा मेरे चीतों कि अब अगर हम देखें तो 6 का मैक्सिमम पावर तो हम निकाल ही नहीं सकते यार, क्योंकि 6 तो एक प्राइम नंबर है नहीं। तो मैंने कहा यार 6 का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो आपने कहा 6 का फॉर्मेशन होता है 2×3 से। मजे की बात यह है कि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। अब बहुत सुकून से एक बात समझना मेरे दोस्त, जैसे मेरे भाई मैंने आपसे पूछा कि 10 के फैक्टोरियल में, बहुत छोटे नंबर से लेते हैं, 10 के फैक्टोरियल में 6 का मैक्सिमम घात बताइए, मैक्सिमम पावर बताइए। आपने कहा गुरुजी 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 6 तो ढूंढ नहीं सकते, हम 2 और 3 ढूंढ सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ढूंढ लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 के अंदर अगर आप 2 ढूंढोगे तो आप कहेंगे 2×5 10, फिर ढूंढेंगे तो 2×2 4, फिर ढूंढेंगे तो 2×1 2, यानी 2 का मैक्सिमम पावर क्या बन रहा है, 2×5 2 7 1 8, ठीक है। अभी तो आपने 2 ढूंढा, अब इसी लगे हाथ मेरे चीते आप 3 भी ढूंढ लीजिए। 10 के अंदर दोस्तों अगर आप 3 ढूंढेंगे तो 3×3 9, फिर से 3 ढूंढेंगे 3×1 3, 3 का मैक्सिमम पावर कितना बनेगा ब्रदर, 4। आपको भी पता है कि ये अकेला 2 कुछ नहीं कर सकता, ये अकेला प्रकाश कुछ नहीं कर सकता, और ये अकेली प्रकाशी भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक इनका संयुग्मन नहीं होगा, जब तक इनका पेयर नहीं बनेगा, तब तक इस नन्हे मुन्ने प्रकाश का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब तब तक इस छोटे से 6 का फॉर्मेशन नहीं होगा। कितने भी 2 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में कितने भी लड़के हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी लड़कियां हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब कॉम्बिनेशन इन दोनों का होगा तब जाके जोड़ा बनेगा मेरे भाई। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरे चीते यहाँ पे 8×2 है, यहाँ पे 4×4 3 है, लेकिन 6 बनाने के लिए 4×3 का 4×2 से सेटिंग होगा, 4×3 का 4×2 से सेटिंग होगा, और जो 4×2 एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो क्या करेंगे, वो ऐसे नल्ले घूमेंगे मेरे भाई। तो हमने एक चीज नोटिस करी मेरे दोस्तों कि इसका मतलब ये है कि 6 के फॉर्मेशन में हर 2 नहीं चाहिए, हर 3 नहीं चाहिए, हमें 6 के फॉर्मेशन में जितने 3 होंगे उतने ही 2 चाहिए, समझो बात को। यानी आप कह सकते हैं अगर आप कोई कंपोजिट नंबर का अगर आप खेल समझ रहे हैं तो आप हमेशा इस बात को समझिएगा कि कंपोजिट नंबर को 2 प्राइम नंबर में हम तोड़ेंगे बहुत अच्छी बात है, और उसमें हमेशा एक बात बिल्कुल सेट कर लीजिए कि जो छोटा डिजिट होगा ना उसका पावर बड़ा होगा, और जो बड़ा डिजिट होगा, अरे भाई कुछ कोई वैल्यू पहले आ रही है तो बार बार आएगी, 2-2 की गैपिंग पे आएगी, 3 हर 3-3 की गैपिंग पे आएगी, तो बेसिक सी बात है 2 के पावर मैक्स ज्यादा होंगे, 3 के पावर कम होंगे। लेकिन किसी के पावर ज्यादा किसी के पावर कम से बात नहीं बनेगी, जितने पावर 2 के उतने पावर 3 के अगर होंगे तो मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएंगे ब्रदर, 6 बन जाएंगे। तो आप समझिएगा इस बात को बड़ी क्लियरली के साथ कि भैया जब हमें 50 के फैक्टोरियल में 6 का संख्या पूछ रहा है या 10 के फैक्टोरियल में 6 की वैल्यू पूछ रहा है और हमने निकाला 2 के मैक्सिमम पावर 8, 3 के मैक्सिमम पावर 4, लेकिन हमें पता है कि 6 के फॉर्मेशन के लिए 2×8 नहीं 2×4 का 3×4 से मल्टीप्लिकेशन होके 6×4 बना देंगे, तो 6 का मैक्सिमम पावर क्या आएगा ब्रदर, 4 आएगा। 6 का मैक्सिमम पावर क्या आएगा ब्रदर, इसमें 4 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि जब भी कभी किसी कंपोजिट नंबर को किसी फैक्टोरियल के अंदर देखते हैं, जब भी दोस्तों किसी कंपोजिट नंबर को किसी फैक्टोरियल के अंदर देखते हैं तो उसमें उस नंबर से नहीं उसके फैक्टोरियल के बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, नहीं समझे, मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त कि जैसे मेरे दोस्त हमने निकाला कि 10 के फैक्टोरियल में हमने 2 के पावर निकाल दिए 8, हमने 3 के भी पावर निकाल दिए 4, हमें पता है कि 3 तो 4 ही है, 2 तो 100% 3-4 से ज्यादा है। अब ज्यादा हो के करेगा क्या, जब 3-4 है तो 3×2 से सेटिंग होगी, अब 1×2×2 सेटिंग थोड़ी करके घूमेगा, एक की सेटिंग एक ही होगी ना भैया, 3×4 का 3×2 से सेटिंग होके 6×4 6 बनाएंगे और मामला रफा दफा कर देंगे। मतलब मेरे चीतों जब भी कभी इस तरीके का प्रश्न अपन को मिलेगा तो हमें ऐसे प्रश्नों में देखना पड़ेगा कि इसका प्राइम में फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे 2×3। हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि इस 50 के फैक्टोरियल में 2 ज्यादा होंगे, 2 का पावर ज्यादा होगा, 3 का पावर कम होगा, और जो पावर कम होगा उसको ढूंढना ज्यादा आसान है, जिसके पावर ज्यादा होगा उसके उसको ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा पावर होगा जितने ज्यादा होंगे सबकी सेटिंग तो होगी नहीं, जो कम होंगे उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो 100% जितने 3 होंगे उतने तो 2 है ही हमारे पास,
लेकिन जितने दो होंगे उतने तीन नहीं हो सकते, क्योंकि दो जो छोटी वैल्यू होगी उसका पावर ज्यादा होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके पावर कम होगा। तो ऐसे केस में जब भी कभी आपको कंपोजिट नंबर की वैल्यू निकालनी हो मेरे दोस्तों, तो हमेशा आप जो है उसको फैक्टराइज करके बड़े नंबर का जो है पावर ढूंढिए। जैसे अगर मुझे 50 के अंदर 6 का मैक्सिमम पावर ढूंढना है तो मैं दो नहीं चेक करूंगा, मैं इसमें तीन चेक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दो इसमें ज्यादा है, तीन से तो ज्यादा है, तीन कितना है उतना ही दो से सेटिंग होगा इसका। तो तीन से बनाइए भैया, तीन का तीन, तीन छक 18, फिर से मेरे दोस्तों तीन से तीन बचे 15, फिर से मेरे साथियों तीन का तीन का तीन बचेगा कितना भैया 16 और 5 21 और 22। अगर तीन 22 है, टंके चोट पर इस बात श्योर है कि तीन का मैक्सिमम पावर 22 है और दो का पावर 22 से भी ज्यादा है, लेकिन 3 22 का 2 22 से कॉम्बिनेशन हो के 6 का मैक्सिमम पावर क्या बनेगा दोस्तों, 22 बनेगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्तों 22 हो जाएगा। नहीं नहीं भैया अभी थोड़ा धैर्य बनाइए, सत्यम भैया अभी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी बात पे, क्योंकि शुरू से जुड़ना बड़ा जरूरी है। शुरू से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आपके लिए समस्या यहाँ पे हो जाएगी। मैं समझ भी पा रहा हूँ कि आपको हुई होगी, अभी मैं आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ और एग्जांपल देके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, एग्जांपल देता हूँ आपको, टेंशन मत लेना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त 100 के फैक्टोरियल में 10 का अधिकतम घात क्या होगा, संभाल के चलना, अभी जल्दीबाजी मत दिखाना मेरे भाई। मैंने पूछा फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 10 इन 10 फैक्टोरियल, मैक्सिमम पावर निकालना है किसका, 10 का, किसमें, 10 के फैक्टोरियल में। समझा रहा हूं, बस धैर्य बनाना, समझ में आएगा। शुरू से अगर मैं आप बात करूं कि अभी आज तक की अभी तक की क्लास में हमने क्या सीखा, अगर मैं पूछूं कि अभी तक की क्लास में हमने क्या सीखा, तो मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बताई है किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर का अगर आपको मैक्सिमम पावर निकालना है तो उस प्राइम नंबर से फर्दर हम डिवाइड करते हैं। इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। फिर मैंने आपको सिखाया मेरे दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या में कोई कंपोजिट नंबर का मैक्सिमम पावर आपसे पूछेगा जो आप निकाल डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब उस तरीके से आप डायरेक्टली 10 से डिवाइड थोड़ी ही करने लग जाएंगे, आपको देखना पड़ेगा 10 किन दो प्राइम नंबर के हेल्प से बना है। तो आप कहेंगे 10 बना है गुरुजी 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से, 10 का फॉर्मेशन हुआ है 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से। अब मुझे बस इतना बता दीजिए कि किसी भी फैक्टोरियल में 2 ज्यादा होगा कि 5 ज्यादा होगा। तो भैया जो 2 होगा, 2 से कटने वाला नंबर हर दूसरे नंबर पे अवेलेबल होगा, 5 से कटने वाला नंबर हर 5 5 की गैपिंग पे अवेलेबल होगा। तो 2 की संख्या होगी ज्यादा और 5 की संख्या होगी कम, जबकि हमें ना तो 2 निकालना ना तो 5 निकालना, हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार करना, इन दोनों की जोड़ी तैयार करनी है, जोड़ी तैयार करनी भैया। जैसे मान लीजिए 2 को मैं लड़का मान लेता हूँ, 5 को मैं लड़की मान लेता हूँ, तो लड़के अगर ज्यादा हैं लड़कियां कम है, तो शादी तो जितने लड़कियां रहेंगी उतनी लड़कों से होगी मेरे भाई। तो मतलब आपको क्या करना है कि जब भी कभी किसी कंपोजिट नंबर का मैक्सिमम पावर निकालना है तो कभी भी आप ऐसी वैल्यू का से डिवाइड मत करें जिसकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, जो कम है अगर उसकी संख्या निकाल देंगे, क्योंकि जितना कम वाली की वैल्यू आएगी उतना तो 100% 2 की वैल्यू रहेगी, और जितने 5 रहेंगे उतने 2 का कॉम्बिनेशन बना के 10 का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको बता दिया है कि जो छोटी वैल्यू होगी उसका पावर ज्यादा होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसका पावर कम होगा, जिसके पावर कम होगा उसको ढूंढेंगे क्योंकि उसको ढूंढना आसान है, जो वैल्यू ज्यादा है उसको ढूंढना मुश्किल है, जो वैल्यू कम है उसको ढूंढना आसान है, क्योंकि जितना ये वैल्यू आएगा उससे 100% ये वैल्यू ज्यादा आएगा, लेकिन जितना ये आएगा उतने 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 का फॉर्मेशन होगा। यानी हमें कुछ नहीं करना है, बड़ी वाली वैल्यू को ढूंढना है, इसके अंदर बड़े वाले प्राइम नंबर को ढूंढना है। 5 2 10 20 बार में, 5 4 20 4 बार में, आगे डिवाइड होगा नहीं तो कितने भैया 24। हम कहेंगे 5 का मैक्सिमम पावर क्या आएगा 24, 5 24 रहेंगे और 2 24 से ज्यादा रहेगा, लेकिन 24 5 का 24 2 से मल्टीप्लाई होके 24 10 का फॉर्मेशन कर देंगे। यानी नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ 10 क्या होगा भैया 24 हो जाएगा। समझ मारी बात, समझ मारी मेरे दोस्त बात। 2 ज्यादा होगा 5 कम होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी भी, जैसे फर्दर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई संख्या छोटी है, जैसे 2 की बात करी, तो 2 से कटने वाले नंबर हर दूसरा नंबर 2 से कटेगा, 5 से कटने वाला हर 5 की गैपिंग पे 5 से कटने वाले नंबर मिलेंगे,
तो बेसिक सी बात है, पांच की संख्या कटने वाली कम होगी, दो से कटने वाली संख्या ज्यादा होगी। जो ज्यादा होगी उसको ना ढूंढ के जो कम होगी उसको ढूंढेंगे, तो ये कंफर्म रहेगा कि जितने कम वाले होंगे उतने तो दो रहेंगे ही रहेंगे। आप इस बात को उम्मीद है कि समझ पाए मेरे भाई यहां तक की बात। और एग्जाम्पल दे दूं, चलिए टेंशन मत लो, दे देते एग्जाम्पल। मैंने कहा मेरे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 180 के फैक्टोरियल में 18 का मैक्सिमम पावर बताइए। बहुत ध्यान से देखना भाई, जल्दीबाजी कतई मत करना, मैं आपको जल्दीबाजी नहीं करवाना चाहता, बहुत सुकून से पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत आराम से। जितना बेहतर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप होंगे उतना ही आनंद आ जाएगा मेरे दोस्त। सत्यम भैया अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जब बीच कॉन्सेप्ट में होता हूँ ना तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ, जब कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाता है फिर आनंद आता है। मैंने कहा 180 के फैक्टोरियल में 18 का मैक्सिमम पावर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 18 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। अब 18 को ऐसे दो प्राइम नंबर में तोड़िए जिसमें दोनों प्राइम रहे। तो मैंने कहा यार प्राइम नंबर में तोड़े 18 को प्राइम नंबर में कैसे तोड़ेंगे? आप कहेंगे गुरुजी यार अब तो फंसा दिया आपने, 9 दुनिया 18 से तो बात ही नहीं बनेगी। तो मैंने कहा चलो 18 हटाओ यार, कुछ और सोच लेते हैं इसकी जगह पे, ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर में टूटे, दो प्राइम नंबर में टूटे, ऐसे नंबर सोचो मेरे भाई। तो मैं सोच रहा हूँ 15 सोच लेता हूँ, ठीक है 15। मैंने कहा 15 को तोड़ लेंगे 5×3 में, 3×5 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ढूंढना बड़ा आसान भी है, ठीक है। अच्छा अगर 18 हो तो 18 का भी जुगाड़ बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे दोस्त हमें पता है कि 3 के पावर ज्यादा आएगा, 5 के पावर कम आएगा, और हमें ढूंढना कौन वाला है? कम वाला है, क्योंकि कम वाला जितना रहेगा उतना ये वाला भी लेंगे और दोनों का पेयर बना के 15 का फॉर्मेशन कर देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना 180 के अंदर, एक्चुअली ना तो हमें 15 ढूंढना है ना तो हमें 3 ढूंढना है, हमें एक्चुअली क्या ढूंढना है? 5 ढूंढना है। 5 से काटेंगे तो 5 × 15 5×6 30, फिर से 5 से काटेंगे 5×7 35, फिर से 5 से काटेंगे 5×5 कितने बनेंगे भैया? 36 और 7 43 और 1 44। यानी हम समझ गए इसके अंदर नंबर 5 का मैक्सिमम पावर क्या बनेगा? 44। अगर आपसे पूछे कि 5 का मैक्सिमम पावर इसमें क्या आएगा तो आप कहेंगे 5 का मैक्सिमम पावर 44 आएगा। अगर आपसे पूछे इसमें 15 का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, फिर भी आप कहेंगे क्या आएगा? 44 ही आएगा, क्योंकि 5 के 44 बनेंगे और 3 के तो ज्यादा बनेंगे, लेकिन 5 44 है और 3 44, 44 3 से मल्टीप्लीकेशन होकर 15 का फॉर्मेशन कर देंगे। हाँ अगर आपसे 3 से पूछेगा तो भैया हम क्या करेंगे? 3 भी ढूंढेंगे इसके अंदर। कैसे ढूंढेंगे? 180 के अंदर अगर आप 3 ढूंढेंगे तो ज्यादा निकलेगा, एक बार देख लीजिए, 3×6 18 60 बार में मेरे दोस्त, 3×20 बार में मेरे भैया, 3 मेरे दोस्तों 6 बार में, 3 मेरे भाई 2 बार में। तो टोटल देखिए कितने 3 आ रहे हैं, 60 20 80 80 8 88 कितने हैं भैया? 3 88। अब देखिए ना, बड़ी ईमानदारी से देखिएगा, बेचारे 3 कितने हैं? आपने कहा 88 हैं। बेचारे 3 हैं कितने? आपने कहा 88 है गुरुजी। और 5 कितने हैं? 44 ही है। तो 15 का फॉर्मेशन तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से बनेगा। अगर हमारे पास 44 ही 5 है तो भाई 44 ही 3 से मल्टीप्लाई होके 44 से 15 बनाएंगे, बेसिक सी बात है। छोटे वाली वैल्यू को ही सेट करना पड़ेगा, छोटे वाली वैल्यू को ही ढूंढना होता है, जिसकी संख्या कम होगी। जो वैल्यू बड़ी होगी उसके नंबर ऑफ फैक्टर कम होंगे, जो वैल्यू छोटी होगी उसके नंबर ऑफ पावर बड़ा होगा। हमें ढूंढना है कम वाला, क्योंकि जिसमें जिसकी वैल्यू कम होगी उसको ढूंढना आसान है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको ढूंढना उसके लिए नहीं नामुमकिन है। समझ में आ रहा मेरे भाई? ना आए तो बता देना, पहले बता रहा हूँ, समझना है तो पूछ लेना। लास्ट क्वेश्चन करके फिर सीधे प्रश्न पे चलते हैं, या थोड़ा सा हम जीरो की बात कर लेते हैं। जैसे हमें पढ़ना क्या था भैया? नंबर ऑफ जीरो पढ़ना था ना? हमें एक्चुअली पढ़ना क्या था? आज का कॉन्सेप्ट क्या है? जीरो थ्योरम ही तो है अपना कॉन्सेप्ट। अपने को आज पढ़ना था जीरो थ्योरम, अपने को आज जो पढ़ना था वो नंबर ऑफ जीरो ही पढ़ना था, नंबर ऑफ जीरोस। तो मेरे दोस्तों आपको पता है कि जीरो का फॉर्मेशन किससे होता है? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल पता है गुरुजी, 10 से होता है, 10 से होता है। किसी भी संख्या में 10 का जितना पावर रहेगा उतने ही जीरो बनेंगे। 10 के पावर 1 है तो 1 जीरो, 10 के पावर 50 है तो 50 जीरो, 10 के पावर 1000 है तो 1000 जीरो। तो मैंने पूछा क्या 10 कोई प्राइम नंबर है क्या? आपने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो फिर इसमें मैं कैसे निकालूंगा 10 का पावर? क्योंकि अगर हमसे कोई नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है किसी भी फैक्टोरियल में, अगर हमसे कोई नंबर ऑफ जीरो किसी भी फैक्टोरियल में पूछ रहा है तो वो इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है 10 का मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। इंडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है? 10 का मैक्सिमम पावर। और 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 10 को दोस्तों हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2×5 में टूटेगा। अब मुझे बताइए कि किसी भी संख्या में नंबर ऑफ पावर जो 2 होगा वो ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पावर जो 5 का होगा कम होगा, क्योंकि 2 से कटने वाला हर दूसरी संख्या है, 5 से कटने वाला हर संख्या हर पांचवी है। तो जो संख्या कम होगा ढूंढना उसको आसान है, हम उसी को ढूंढेंगे। तो जब भी मेरे चीतो आपको कभी भी नंबर ऑफ जीरो की बात करी जाएगी तो एक्चुअली में आपको उसमें कुछ नहीं ढूंढना होता, 10 नहीं ढूंढना होता, उसमें 2 नहीं ढूंढना होता, क्या ढूंढना होता मेरे दोस्तों? 5 ढूंढना होता है। यही अपना कॉन्सेप्ट है,
नंबर ऑफ जीरो की जब भी बात करी जाएगी, किसी फैक्टोरियल में बात करी जाएगी, तो आप समझते हैं कि 10 का जो फॉर्मेशन होता है ना तो अकेले 2 से होता है ना तो अकेले 5 से होता है, इन दोनों के संयुग्मन से होता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से होता है। जितने 2 रहेंगे उतने ही 5 रहेंगे तब जाके 0 का फॉर्मेशन होगा, जितने 5 रहेंगे उतने ही 2 रहेंगे तब जाके 0 का फॉर्मेशन रहेगा। अगर 2 कम है 5 ज्यादा है तो जो कम है उतने 0 बनेंगे, अगर 5 कम है और 2 ज्यादा है तो जो वैल्यू कम है उतने ही 0 बनेंगे। अरे बेसिक सी बात है, एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा 5 के पावर 44 घोड़े 2 के पावर 11, मैंने पूछा बताओ इसमें नंबर ऑफ 0 कितना बनेगा, 0 कितना बनेगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, मेरे भाई 5 के पावर 17 घोड़े 2 के पावर 47, मैंने पूछा मेरे भाई बताओ 0 नंबर ऑफ 0 कितना बनेगा, तो आपने कहा गुरु जी 0 का काम सिर्फ ना तो 5 का है, 0 का काम ना तो सिर्फ 2 का है, ना तो 2 अकेला 0 बना सकता है ना तो अकेला 5 0 बना सकता है, इन दोनों की जब तक सेटिंग नहीं होगी तब तक 0 का फॉर्मेशन नहीं होगा। और सेटिंग में हम देखें तो 5 44 है और 2 11 ही है, तो जो संख्या कम है आंसर हमेशा वही होगा, 5 और 2 में जो वैल्यू कम है वही तो आंसर होगा। तो अपने पास 5 बतेरे हैं लेकिन अपने पास बेचारे 11 ही 2 है, तो 11 2 का 11 5 से ढूंढकर हम शादी करा देंगे और 11 0 का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। ऐसे देखो मेरे भाई 5 17 है 2 47 है, बतेरे 2 हो हमसे क्या ही फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ पावर जिसका कम होगा 5 का पावर 17 ही है, तो 17 5 का 17 2 से फॉर्मेशन होके 17 लोगों का जोड़ा बनाऊंगा और 17 जोड़ा बनते ही 17 0 का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया क्या, आई बात गई समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई है। ये रहा आपके सामने प्रश्न, धुआं उठाना शुरू कर दो, धुआं उठाना शुरू कर दो। मुझे जो आपके दिमाग में इंजेक्ट करना था एक्चुअली में वो मैंने इंजेक्ट कर दी है। अब जो भी प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस के माध्यम से हम डील करेंगे, बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझा लिया मेरे भाई, धुआं उठाएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, ये कुछ लिखा है 1 गुणे से लेकर 95 तक, यानी 95 के फैक्टोरियल में फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ एन, और 10 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, यानी नंबर ऑफ 0 हमसे पूछ रहा है। हाँ जी, शादी करानी है सत्यम भैया, चलिए ब्रदर लपेटिए। तो मैं समझ गया हूं, पहले ही समझा चुका हूं मैं आपको कि 10 आप डायरेक्टली ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या है भैया? 2 गुणे 5, 2 और 5 प्राइम नंबर है। हम जानते हैं 2 की संख्या ज्यादा आएगी, 5 की संख्या कम आएगी, जो कम आएगी उसको ढूंढना आसान है और उसी को हम ढूंढेंगे भी। ये क्या लिखा, 95 का फैक्टोरियल ही तो लिखा है, तो 95 के फैक्टोरियल में अगर मुझे 5 ढूंढना हो तो बड़े आसानी से मैं ढूंढ सकता हूँ। 5 एक 5, 5 9 45, अगेन 5 3 15, अगेन 5 3 15 बचेगा, 5 3 15 बस, है ना। तो कितने बनेंगे भैया, 19 और 3 22। क्या अगर आपसे पूछे मेरे दोस्त इसमें कि 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपने एक्चुअली 5 ही निकाला है और 5 का मैक्सिमम पावर 22 आएगा। और अगर आपसे पूछे 10 का मैक्सिमम पावर क्या है, 10 का मैक्सिमम पावर क्या है, तब भी आप जवाब देंगे 22। क्यों? क्योंकि जिसकी वैल्यू कम होगी 5 और 2 में वही तो आंसर होता है। कभी आपसे पूछ ले 2 का मैक्सिमम पावर है तो फिर आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे, है ना। कभी आपसे पूछ ले नंबर ऑफ 0 क्या है, नंबर ऑफ 0 कितने 0 बनेंगे, तो एक्चुअली में 10 के जो मैक्सिमम पावर आते हैं वही तो 0 बनते हैं मेरे भाई, 10 के पावर 22 है तो नंबर ऑफ 0 भी क्या ब्रदर बनेगा, 22 बनेगा। ये देखो तीनों प्रश्नों का जवाब 22 है मेरे भाई। अगर आपसे पूछे 5 का अधिकतम पावर 22, 10 का अधिकतम पावर 22, नंबर ऑफ 0 22, समझ में आ रहा। हाँ अगर आपसे पूछ ले कि 2 का अधिकतम पावर क्या है, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, फिर आपको निकालना पड़ेगा 2 से डिवाइड करके 95 के अंदर, फर्दर 2 से डिवाइड करके, 2 से 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, अगेन 2 से 2 दुनी 4, 2 तीन 6, अगेन 2 से 2 एक का 2, 2 एक का 2, अगेन 2 से 2 पंचे 10, अगेन 2 से 2 दुनी 4, अगेन 2 से 2 एक का 2, तो जोड़ लीजिए भैया 47 और 23 हो जाएगा मेरे भाई 70, 70 80 और 1 81, 81 और 5 86, 86 और 2 88 और 1 89, 89, 2 का मैक्सिमम पावर क्या आएगा 89, समझ गए ना। आई बात गई समझ में, जो मैं समझाना चाह रहा था, क्या आप समझ पा रहे हैं या ऐसे ही झेल रहे हैं चीजों को, आई समझ में बात। मैंने कहा मेरे दोस्तों किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर ढूंढना बिल्कुल इजी है और वही हम ढूंढ भी सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर सख्त लौंडे होते हैं, उनकी कहीं कोई सेटिंग नहीं होती है, उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होंगे या तो उनकी सेटिंग होगी। 1
लेकिन ये जो कंपोजिट नंबर नास पीटी होते हैं ना, ये हर जगह अपना तार फैलाए रहते हैं, इनका कभी कोई भरोसा नहीं कब कहाँ ये पिघल जाए, इसलिए खतरनाक होते हैं। तो इन पे भरोसा नहीं करना है, इनके अंदर छुपे हुए प्राइम नंबर को ढूंढना है और उसमें से भी जिसके पावर कम होते होंगे उसको ढूंढना है। ठीक है ब्रदर, अब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। लीजिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पढ़ते चलिए। प्रणव भैया बहुत बहुत स्वागत है, बहुत लेट है, बहुत दुख है, सामने होते तो तुमको कूटता मैं, लेकिन किस्मत तुम्हारी ठीक है कि तुम स्क्रीन के उस पार हो, हम स्क्रीन के उस पार है, हमारी तुम्हारी मुलाकात हो नहीं सकती। अगर होती तो रैपिड तुम्हें मारता, तुम्हें देर आने के बदले तुम्हें रैपिड देता, दे रैपिड दे रैपिड दे रैपिड। प्रश्न कह रहा है 2 की पावर 145, 5 की पावर 234 में कितने शून्य बनेंगे। हम जानते हैं यार, शून्य अकेले किसी का काम नहीं है भैया, ना 2 अकेले कुछ कर सकता है, ना 5 अकेले कुछ कर सकता है, इन दोनों का संयुग्मन से ही 10 यानी 0 का फॉर्मेशन होता है। तो जो आंसर जिसके पावर कम होगा, इसमें पावर कम है तो इतने ही बनेंगे यार, 145। 10 की पावर 145 का मतलब नंबर ऑफ जीरो भी 145। समझ रहे हो ना ये क्यों हो रहा है भैया? अरे भैया 5 2 234 है, लेकिन अपने पास 2 ही 145 है, तो 145 दो का 145 पांच से संयुग्मन करके हम 145 10 बना देंगे, बाकी बेचारे जो बचे हुए 5 रहेंगे वो घूमते रहेंगे इधर उधर, उन बेचारों के पीछे अब हम क्या ही बोल सकते हैं, दया आती है ऐसे बच्चों पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ते चलिए, आनंद आएगा। आप धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो बहुत आनंद आएगा, बहुत मैक्सिमाइज करेंगे इन चीजों को। एक से लेकर 10 तक की संख्या को गुणा कर, भाई एक से लेकर 100 तक का संख्या को गुणा करने का मतलब क्या है? 100 का फैक्टोरियल ही तो है, और इसके अंदर अपन को ढूंढना क्या है? 0, 0 मतलब 10, 10 मतलब 5। समझ गए ना क्यों? ये आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो एक्चुअली मुझे 100 के फैक्टोरियल में ब्रदर 5 ढूंढना है, तो 5 × 2 = 10, 5 × 20 = 24। सेट है? क्लियर है ब्रो? सेट है मामला? प्रणव भैया मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत हो मेरे भाई। दोस्तों जो क्लासेस अपनी चल रही है, इस क्लासेस की पीडीएफ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स भाई शुभम सर यूवी को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आपको क्लास की डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलती है, यहाँ आपको क्लास नोट्स भी मिलती है, यहाँ आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिलती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलते हैं। तो क्लास की पीडीएफ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स भाई शुभम सर यूवी को ज्वाइन करिएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने वो लिंक पिन कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है, उसको आप ज्वाइन करिए। और अपनी 2 क्लासेज होती हैं दोस्तों, एक सुबह 8 बजे जो बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए जानी जाती है, जिसमें आप आगे मेंस के भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, मेंस के भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और शाम 7 बजे वाली क्लास में आप जानते ही हैं क्या चल रहा है, चैप्टर बाई चैप्टर चल रहे हैं। और चैप्टर बाई चैप्टर में हम कहाँ हैं भैया? एलजेब्रा के अंदर है। एलजेब्रा के अंदर हम क्या कर रहे हैं? नंबर सिस्टम लपेट रहे हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, बहुत ईमानदारी से कहानी को समझाने की कोशिश करते हैं। अपना जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों नंबर ऑफ जीरोज का है। अभी तक का हाईलाइट अगर मैं आपसे कहूं कि क्या है, तो आप कहेंगे अभी तक का हाईलाइट गुरुजी ये है, किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर ढूंढना हमने सीखा है। कोई अभाज्य संख्या है, अगर हमें किसी फैक्टोरियल के अंदर उसका मैक्सिमम पावर चाहिए तो हम ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो फिर हमें उसे 2 प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद जिसकी वैल्यू बड़ा होगी या जिसके पावर कम होंगे वो हमें ढूंढ के आंसर बता देना है। ठीक है भैया, सेट है मामला? जाने दोस्त, चलिए अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ईमानदारी से। मेरे सामने मैंने आपके सामने कुछ नंबर लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे दोस्त कि हम एडिशन कर रहे हैं, हम जोड़ना शुरू करें फैक्टोरियल में। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? जोड़ना शुरू कर रहे हैं। तो जोड़ेंगे मेरे भाई, तो अगर मैं जोड़ने के बाद रिजल्ट की बात करूंगा कि कितने जीरो बनेंगे, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब आप जोड़ेंगे और नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू में मिनिमम जीरो जिस संख्या में होंगे वही आपका आंसर होगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्दर एडिशन कर रहे हैं ब्रदर, अगर आप फर्दर एडिशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप फैक्टोरियल में जोड़ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टोरियल को आपस में जोड़ रहे हैं और नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो ऐसा मत करिएगा कि इसका भी जीरो निकाल लो, इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, फिर जोड़ो। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें बहतेरे जीरो थे, इसमें भी बहतेरे जीरो थे, जब हमने इसको जोड़ा तो हम समझते हैं मात्र एक ही जीरो आंसर में आएगा, और वो कहां से आया? सबसे मिनिमम जीरो से आया।
जिस संख्या में सबसे मिनिमम जीरो होंगे, एडिशन करते समय हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू का फैक्टोरियल का जो है रिजल्ट निकाल के हम उसका आंसर बता सकते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, एडिशन करते समय मिनिमम वैल्यू में, मिनिमम पावर में, मिनिमम फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे वही आपका आंसर होगा। हर एक संख्या का जीरो निकालने की कतई जरूरत नहीं है, ये बात आपने यहां से सीखी होगी। और एग्जाम्पल देते हैं मेरे भाई, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बतेरे जीरो लगा दिए हमने, फिर मैंने एक और एग्जाम्पल दिया इसमें से घटाने के लिए, ये बीज लगा दिया, फिर मैंने एक और एग्जाम्पल दिया जिसमें हमने ये भी घटाने के लिए बोल दे दिया। अब मैंने कहा जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे बहुत लंबे चौड़े वैल्यूज का, बहुत लंबे चौड़े वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसमें हम नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे, तो अगेन आप यही कहेंगे कि इसमें भी आंसर क्या आएगा, जिस संख्या में जो मिनिमम वाली वैल्यू है उसमें जितने जीरो आएंगे, मिनिमम वाली वैल्यू में जितने जीरो आएंगे आंसर में भी उतने ही जीरो आएंगे। ये कॉन्सेप्ट बड़ी ईमानदारी से समझना मेरे दोस्त, ये कॉन्सेप्ट बड़ी ईमानदारी समझना, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्नों का बौछार होने वाला है आपके दिमाग पे। तो मैंने कहा दोस्तों जब हम एडिशन करेंगे, बहुत सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो ऐसा कतई मत करिएगा कि इसके भी जीरो निकाल लीजिए, इसको भी जीरो निकाल दीजिए, इसको भी जीरो निकाल दीजिए। नहीं, जब आपके पास बतेरे नंबर्स हैं, आप उसको जोड़ रहे हैं, तो हमेशा फोकस करिए सबसे छोटे नंबर पे। सबसे छोटे नंबर में जितने जीरो होंगे आपके आंसर में भी उतने ही जीरो होंगे। जब आपके पास बतेरे संख्याएं हैं, आप घटा रहे हो, तो हर एक संख्या में जीरो निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटी संख्या जो है जिसमें सबसे कम जीरो है उसके जीरो निकाल के हम आंसर बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैंने आपसे कहा मेरे ब्रोतर, मेरे भाई, मेरे मित्र, हम जो है अभी हमने क्या बताया, एडिशन की बात करी, फिर किसकी बात कर ली मेरे दोस्तों, इसी जगह सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, सब्ट्रैक्शन की भी बात कर ली, अब हम मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर लेते हैं। समझना, ये सब सारी चीज बहुत अच्छे से लिंक होगी। मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे मित्रों, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने आपके सामने कुछ वैल्यू लिखी, मैंने आपके सामने कुछ और वैल्यू लिख दी, मैंने आपके सामने कुछ और वैल्यू लिख दी, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं मेरे ब्रोतर, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, सारे के सारे नंबर क्या होंगे यहाँ पे, ऐड हो जाएंगे, सभी के सभी जुड़ जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, कितने जीरो, 5 × 4 = 9 और 2 = 11 जीरो और 1 × 12 = 10 का जीरो। समझ में आ रहा? तो जब भी कभी आप बहुत सारी संख्याओं के फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस केस में आपके सबके जीरो निकालने पड़ेंगे, और सबके जीरो निकाल के क्या करना पड़ेगा ब्रोतर, ऐड करना पड़ेगा, वही आपका क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मेशन करेगा। मेरे साथियों, जब आप डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, बहुत फैक्टोरियल के अंदर दोस्तों जब आप डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखेंगे जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके नंबर ऑफ जीरो जो है दोनों के निकालेंगे, लेकिन जिसमें कम होंगे उसमें से ज्यादा वाले कट जाएगा, यानी एक तरीके से नंबर ऑफ जीरो घट जाएगा। यानी आप समझिएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरो का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, आपस में इनके नंबर ऑफ जीरो क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो अपने पास थे 7, उसमें से 2 घटा दिया हमने, तो आंसर क्या आएगा, 5। समझ मेरी बात, समझ मेरी बात, मेरी चीज तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि जब आप, अब आप जब भी आप एडिशन करेंगे, जब आप एडिशन करेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू को में जितने जीरो होंगे उसके नंबर ऑफ जीरो ही हमारा आंसर होगा। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे ब्रोदर, सब्ट्रैक्शन, तो मिनिमम सब्ट्रैक्शन करते समय भी मिनिमम जीरो जिस वैल्यू में होंगे वही हमारा आंसर होगा। जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं के नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं और सबको आपस में ऐड करने हैं। जब आप डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो सभी संख्याओं के नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपको मैंने आपको समझाया है। एक बार ये चारों बातें अगर आप पचा सकते हैं तो पचा लीजिए, अन्यथा प्रश्नों के माध्यम से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्या आपको ये चार बातें क्रिस्टल क्लियर है, सेट है मामला? यार नंबर ऑफ जीरो चैप्टर का नाम है ना सत्यम भैया, हमारे चैप्टर का नाम ही है जीरो थ्योरम, नंबर ऑफ जीरो। मेरे दोस्तों, जब हम कभी बहुत बड़ी कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन में नंबर ऑफ जीरो पूछेगा, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको पकड़ के उसके जीरो निकाल देंगे, वही आंसर होगा। सबके जीरो निकालने का टेंशन नहीं लेना है। जब हम बहुत बड़ी वैल्यू में सब्ट्रैक्शन करेंगे फैक्टोरियल वगैरह में, तो सारे नंबर का जीरो ना निकाल के सिर्फ मिनिमम वाले फैक्टोरियल का जीरो निकाल के आंसर बता सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत सारी संख्याओं में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो सारे नंबर के जीरो निकालना कंपलसरी है और सबको जोड़ना कंपलसरी है। जब हम दोस्तों डिवीजन करेंगे बहुत सारे फैक्टोरियल के अंदर, तो सारे नंबर के जीरो निकालना कंपलसरी है और आपस में सब्ट्रैक्ट करना
कंपलसरी है। उम्मीद है कि आपको ये बात कनेक्ट हो पाई है, आप इन बातों को समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो चलिए भैया कहानी को एक लेवल तक लेके चलते हैं, कहानी को एक नई दिशा में लेके चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर धमाकेदार। थोड़ा समय दूंगा मैं आपको हर प्रश्न के पीछे, कितने समय भैया? 1 मिनट 59 सेकंड का समय देता हूं हर प्रश्न के पीछे, 59 सेकंड। लीजिए, अब जितनी भी बातें हैं ना प्रश्न से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। 3 प्रश्न आपके सामने हैं, धुआं उठाना शुरू करिएगा बहुत आराम से। चलिए भैया देखते हैं, पहला प्रश्न आ गया हमारे पास, इसमें कहीं फैक्टोरियल नहीं लगा है। तो हम जानते हैं कि जो जीरो का फॉर्मेशन होता है, जीरो का जो फॉर्मेशन होता है वो 10 से होता है। 10 का मतलब हम जीरो का फॉर्मेशन 2 और 5 के पेयर से होता है। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने जीरो बनेंगे। मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें कितने 5 है भैया, सिर्फ 1 5 है। यहाँ पे कितने 2 है भैया, सिर्फ 1 2 है। तो 1 5 का 1 2 से मल्टीप्लाई होकर कितने जीरो बनाएंगे भैया, 1 0 बनाएंगे, सिर्फ 1 0। पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में आते हैं, बड़ी ईमानदारी से चलना। मैंने कहा नंबर ऑफ जीरो का काम जो है वो 5 और 2 के पेयर पे डिपेंड करता है। तो 1 0 तो हमें यही दिख रहा है, क्लियर कट 1 0 तो मैंने पहले सेट कर दिया। अच्छा 1 0 यहां भी दिख रहा मुझे, 2 0 तो पहले सेट हो गया भैया, 2 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा अब ढूंढो 5 पहले। तो यहां 5, 1 5 है, 3 5 15 का मतलब 1 5 यहां पे है, और कहीं 5 है ही नहीं, 1 5 है। 2 तो हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारे 2 हैं, लेकिन क्या ही करेंगे भैया, 2 0 रेडीमेड फॉर्म में मिली गए हैं। 1 5 का 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 0 और बना देंगे, यानी नंबर ऑफ जीरो इस प्रश्न में क्या आएगा ब्रदर, 3 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर बी में क्या आएगा दोस्तों, 3 0 आएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा नंबर ऑफ जीरो 3। बहुत ईजी, बहुत आला। क्वेश्चन नंबर सी देखिए भैया, 2 555 है, 5 222 है। हमने पता है कि 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन जितना बनेगा उतना ही आंसर होगा, और हमेशा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, छोटा वाला ही तो बनेगा। 5 222 और 2 भी 222 लेके मल्टीप्लाई करके 2220 का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुख दर्द हो तो बताइएगा तुरंत, क्योंकि अभी तो अंगड़ाई है दोस्त, अभी तो बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई बाकी है, अभी बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई बाकी है। इस बात को बताने से पहले मुझे कुछ बात आपको समझानी यार, इस बात को बताने से पहले मुझे एक बात समझानी है, बड़े ध्यान से मुझे एक बात समझाना मेरे दोस्त। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2+4+6+8+10+50, एक तो ये लिख दिया, और दूसरा मैंने लिख दिया 2×4×6×8×10×50 तक की संख्या। अगर इन दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईमानदारी से चलना मेरे दोस्तों, अगर इन दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना है तो आप कहेंगे गुरुजी क्या ही दिक्कत है, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बाहर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, जहां 4 रहेगा वहां बचेगा 2, जहां 6 रहेगा वहां बचेगा 3, जहां 8 रहेगा वहां बचेगा 4, यहां रहेगा 5, और जहां यहां रहेगा यहां रहेगा 25। पहली बात में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जब हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो हम कॉमन निकालते हैं, जो बचता है ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। लेकिन खबरदार मेरे दोस्तों, जब हम मल्टीप्लिकेशन में होते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन में आप एक बात समझना कि मल्टीप्लिकेशन में ये 2 जो लिखा है इसका मतलब है 2×1, 4 का मतलब यहाँ 2×2 है, 6 का मतलब यहाँ मेरे भाई 2×3 है, 2×4 है, 2×5 है, ऐसे मेरे दोस्तों ये क्या लिखा है, 2×25 लिखा है। तो एक्चुअली में अगर इसमें तुम कॉमन निकालना भी चाहो, पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन में कॉमन निकलता नहीं है, अगर आप निकालना भी चाहोगे तो हर जगह से 2 बाहर निकालना पड़ेगा। हर संख्या के पास 1 2 है, कितने संख्या भैया, हमारे पास 25 संख्या है, टोटल 2 की पावर 25 आप बाहर निकालेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही कॉमन निकलता है, मल्टीप्लिकेशन में तो कॉमन निकलता ही नहीं है। अब चूंकि ये संख्या सब 2 के मल्टीपल्स हैं तो सबके पास अपना 1 2 है, और ये संख्या टोटल है कितनी, 2 से लेकर 50 तक 25 संख्या है, 25 संख्या है, तो हर संख्या 2 2 देगा, यानी 25 2 दे देगा, 25 2 दे देगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 दे दिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, और जहाँ 50 था वहाँ 25 बचेगा। क्या इस बात को आप पचा पा रहे,
क्या इस बात को आप पचा पा रहे हैं मेरे भाई? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या इस बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? एक बार कंफर्म करिएगा बहुत ईमानदारी से, बहुत ही आराम से, सुकून से क्लियर करिए। दोनों बातों में अंतर समझ में आता है आपको? जब एडिशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दो बाहर निकाला अंदर तो भैया जो है वो बच गया, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में तो कॉमन निकलता ही नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो हर एक संख्या के पास अपना एक दो है, और आप देखेंगे तो टोटल अपने पास दो से लेकर पचास के बीच दो से दो दो की गैपिंग पर 25 संख्या है, और हर संख्या के पास अपना दो है, तो दो के पावर 25 बाहर निकलेगा और अंदर बचेगा एक से लेकर 25 तक का मल्टीप्लाई, यानी एक तरीके से कह सकते हैं 25 का फैक्टोरियल। समझ मेरी बात? ऐसे क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें? ये सब इस प्रश्न के लिए बता रहा हूँ। अब इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस प्रश्न का जवाब दें। आपको मैं एक मिनट का समय देता हूं प्रश्न को पढ़ने, समझने, सीखने और जवाब देने के लिए। बहुत आराम से, बहुत आला तरीके से जवाब दीजिएगा। जल्दीबाजी मत करिएगा मेरे भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट जल्दीबाजी का है ही नहीं। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप। कॉन्सेप्ट इज किंग। जितना प्यार से स्मूथली आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे उतना आनंददायक आपके लिए जर्नी रहने वाली है। बहुत ध्यान से, हर प्रश्न अपने आप में कहानी लिखेगी, हर प्रश्न अपने आप में कहानी कहेगी। प्रश्न हमसे वही है, नंबर ऑफ जीरो आपको बताने हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, हर प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो ही बताने हैं। और मैं आपको समय दे चुका हूं एक मिनट का, यानी हर प्रश्न के पीछे 15 सेकंड का समय आपके पास है देखने, सोचने, समझने और सॉल्व करके आंसर देने के लिए। 15 सेकंड हर एक प्रश्न के पीछे समय है। चलिए दोस्तों, बड़ी ईमानदारी से देखना। मैंने देखा मेरे दोस्तों ये इवन नंबर एक तरीके से चल रहे हैं, 2×4×6×8 ऐसे चल रहा है। हम जानते हैं नंबर ऑफ जीरो मुझे निकालना है, और नंबर ऑफ जीरो के लिए मुझे 2 और 5 के कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा। तो मैंने नोटिस किया फिर से कि 2 तो भैया है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कुल मिला के 2 को यहाँ तोड़ेंगे तो 2×25 तक 2 है, 1 से लेकर कहाँ तक 25 तक 2 है, लगातार 2 है। तो मैंने वही किया कि 2×25 हमने निकाल दिया बाहर कॉमन। बड़ी ईमानदारी से देखना तो अंदर क्या बचेगा, 1×2×3×, कहां तक 25 तक बचेगा, यानी अंदर एक तरीके से क्या बचेगा भैया, 25 का फैक्टोरियल ही तो बचेगा, अंदर अंदर 25 का फैक्टोरियल बचेगा। अब बहुत ईमानदारी समझना, हमें जीरो बताना है तो हम जानते हैं हमारे पास बतेरे 2 पहले से है, तो हम इसके अंदर अब 2 थोड़ी ढूंढेंगे, 25 के फैक्टोरियल में क्या ढूंढेंगे मेरे भाई, 5 ढूंढेंगे। तो चलिए 5 से डिवाइड करिए, 5×5=25, 5×1=5 कितने बनेंगे भैया, 5×6=5 बनेंगे, 5 बनेगा 6, 2 बना है 25, तो नंबर ऑफ जीरो क्या बनेगा, छोटा वाला यानी 6 बनेगा, 6 इसका बिल्कुल सही जवाब है, नंबर ऑफ जीरो इज द 6। बड़ी ईमानदारी से, बड़ा आराम से समझना है, जल्दीबाजी मत करना, उछल कूद मत मचाना, नहीं तो बड़ी समस्या होगी। फिर समझा रहा हूं, मैंने कहा 2 से लेकर 50 तक की संख्या का मल्टीप्लाई है, तो एक्चुअली में 2×1, 2×2, 2×3, 2×24, 2×25 इस तरीके से लिखा है। 1 के पास भी 2 है, 2 के पास भी 2 है, 3 के पास भी 2 है, ऐसे 25 तक की संख्याओं के पास 2 है, हर संख्या के पास 2 है। तो बाहर अगर मैं निकालूंगा तो 2×25 बाहर निकल के आएगा, अंदर जो बचेगा 1×2×3×4×5×24×25, यानी 1 से लेकर 25 तक का मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं 25 का फैक्टोरियल बचेगा। चूंकि जीरो के फॉर्मेशन के लिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन अपन को चाहिए, 2 अपने पास बतेरे पहले से मिल चुके हैं, तो हमें अब 5 बस ढूंढना है कि 5 कितने रहेंगे। तो मैंने 25 के अंदर 5 लिया, कैसे ढूंढेंगे 25 के अंदर 5×25 5×5=1 तो नंबर ऑफ 5 कितना आएगा, 6 आएगा। 5×6 है, और भले ही नंबर ऑफ 2 25 है, लेकिन 6×5 का 6×2 से कॉम्बिनेशन बन के 6×0 का फॉर्मेशन हो जाएगा, पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 6 हो जाएगा दोस्त। क्लियर ब्रो? बहुत सुंदर। ई वाले में देखिए, अब हमारा 10 कॉमन दिख रहा है हमें, 10×10, 10×20, 10×30, 10×100 तक, 10 के पावर कितने, इसको 10 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 10×10 होता है, 10 के पावर 10 तो मिल गया हमें कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 1×2×3×10 तक, यानी 10 का फैक्टोरियल अंदर बचेगा मेरे भाई। अब अच्छा मुझे ये बता दो कि 10 के पावर 10 का मतलब 10 जीरो तो पका पका है, हमें पहले से मिल चुका है। अब इस 10 के फैक्टोरियल में कितने जीरो बनेंगे वो निकाल लो। आप कैसे निकालोगे भैया, 5 ढूंढोगे, 5×2=10, 2 जीरो यहां से मिल जाएंगे आपको, 10 जीरो यहां से मिल चुके हैं, 2 जीरो यहां से मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे ब्रदर, 12 इसका बिल्कुल सही और सुकून वाला जवाब आएगा, 12 इसका बिल्कुल सही सुकून देने वाला जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर ई का बिल्कुल सही जवाब मेरे चीतों 12 आएगा, क्योंकि 10 के पावर 10 अगर आप कॉमन निकालेंगे तो आपने 10 जीरो पहले ही सेट कर दिया है, क्योंकि जीरो का फॉर्मेशन 10 के मैक्सिमम पावर से ही होता है, तो 10 तो मिल गया आपको। अब 10 के फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो है वो हमने 5 ढूंढ के निकाल दिया, तो
तो यहां से मिल गए, 10 पहले थे 2 अब मिल गए, 12 आंसर आएगा मेरे भाई। गलती मत करना, अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा रुकना, टिकना, सीखना, समझना, फिर आगे बढ़ना। ये दोस्तों चलिए एफ में आते हैं। मैंने देखा 1 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7 गुड़े यहां तक का है, 97-99 तक है। अब मैंने कहा यार मुझे नंबर अब जीरो निकालना है। अब जीरो में अगर मैं देखूं तो ये ध्यान से देखूं, ये विषम संख्याएं हैं सारे। विषम संख्या में मैं मानता हूं कि 5 तो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन अकेला 5 करेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता। जीरो के फॉर्मेशन के लिए तो जितने 5 होंगे उतने 2 भी चाहिए ना अपन को। तो यहां तो 2 मिलेगा आपको नहीं, एक भी जीरो नहीं बनेगा, तो यहां क्या होगा? एक भी शून्य नहीं बनेगा। नंबर ऑफ जीरो क्या रहेगा इसमें? शून्य बनेगा, नो जीरो, इसमें नो जीरो, कोई जीरो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्राइम विषम संख्या के मल्टीप्लिकेशन में कभी भी जीरो का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि विषम संख्या में मैक्सिमम पावर ऑफ 5 तो आपको मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम पावर ऑफ 10 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जीरो के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 5 ही जरूरी नहीं है। जीरो के फॉर्मेशन के लिए जितना जरूरी 5 है उतना जरूरी 2 भी है, और 2 है ही नहीं इसमें तो जीरो नहीं बन सकता। यहां देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है जी वाला, अगली स्लाइड में बताता हूं। जी वाला प्रश्न आपको परेशान कर सकता है। क्या है प्रश्न एक बार देख लेता हूं। 5 से लेकर 80 तक का मल्टीप्लाई, 5 से लेकर 80 तक, ठीक है ब्रदर, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा चलो 5 कॉमन निकाल दो, कहेंगे 5 कॉमन निकालेंगे, कोई बात नहीं निकाल लेंगे 5 कॉमन, तो निकालेंगे तो 5 एक 5 5 2 10, ये गुड़ेगा तोड़ेगा 5 के पावर में 5 16 85, 5 गुड़े 16, तो मैं समझ गया 5 के पावर 16 तो बाहर निकल आएगा, क्योंकि सबके पास 5 है अपना, अंदर 1 से लेकर 16 तक का मल्टीप्लाई यानी 16 का फैक्टोरियल बनेगा। अब बहुत ईमानदारी से आप समझना इस बात को कि मेरे दोस्त हमें जीरो ढूंढना है। जीरो का मतलब 5 तो अपने पास पहले से बतेरे स्टॉक के अंदर है, तो अब हमें 16 के अंदर 5 थोड़ी ढूंढेंगे। अब क्या ढूंढेंगे भैया? 2 ढूंढेंगे, क्योंकि जीरो का फॉर्मेशन ना अकेला 5 कर सकता ना अकेला 2 कर सकता है, और 5 हमारे पास पहले से बोनस में 16 मिल चुके हैं, तो इसके अंदर अब हम 2 ढूंढने वाले हैं। 16 के फैक्टोरियल के अंदर अगर दोस्तों हम 2 ढूंढेंगे तो आप कहेंगे 2 8 16 8 बार में, 2 ढूंढेंगे 2 4 8 4 बार में, 2 ढूंढेंगे 2 2 4 2 बार में, 2 ढूंढेंगे 2 1 2 1 बार, यानी नंबर ऑफ अगर मैं 2 ढूंढूं तो आप कहेंगे 8 4 12 तो 14 और 1 15, 2 जो बनेगा 2 के पावर 15 बनेगा। 5 बना है 2 5 के पावर 16, तो कम क्या है? 2 है, तो नंबर ऑफ 2 अगर 5 15 है तो नंबर ऑफ 0 भी 15 बनेगा। नंबर ऑफ 0 भी दोस्तों 15 बनेगा। जिस भी प्रश्न में डाउट हो क्वेश्चन नंबर लिखना मेरे भाई, जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो ना वो प्रश्न नंबर लिखेंगे तभी बात बन पाएगी दोस्तों। ऐसे कैसे बात बनेगी? अगर आपको क्वेश्चन नंबर लिखेंगे तभी तो मैं समझ पाऊंगा कौन से प्रश्न की आप बात कर रहे हैं। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए जो भी आपके डाउट वाले प्रश्न हैं। ये आपको हमने 4 प्रश्न दिए थे डी ई एफ जी, इन 4 प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको डाउट लग रहा है, जिस प्रश्न को आप नहीं समझ पाए हैं, उस प्रश्न का आप जवाब दोबारा से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा ललित भैया, मैं आपको रिपीट करा दूंगा, कंफर्म करिए। बहुत सुकून वाली बात है कि जीरो का फॉर्मेशन ना तो अकेला 5 कर पाएगा ना अकेला 2 कर पाएगा, उन दोनों के जितने जोड़े बनेंगे उतने 0 बन पाएंगे। 2 कम रहेगा तो नंबर ऑफ 0 2 के पावर के बराबर होगा, 5 कम रहेंगे तो नंबर ऑफ 0 5 के पावर के बराबर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझा पाया हूं, अगर नहीं समझा पाया हूं तो आगे भी बतेरे प्रश्न है यार, आनंद ही आनंद है। 5 प्रश्न और आपके सामने आ चुके हैं, बाकी पिछले प्रश्नों में अगर किसी को डाउट है पूछ लो भाई, शर्माओ मत, दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, 1000 बार पूछ लो, हर बार मैं बताऊंगा आपको। पल्लवी जी कह रही गुरु जी इसमें 2 ज्यादा और 5 कम कैसे आया, कौन से किसमें? अब देखो ये बोल रहे हो आप किस इसमें, इसमें की जगह लिख दो क्वेश्चन नंबर तो मैं समझ पाऊं आपके इसमें का मतलब, मैं क्या समझू इसमें का मतलब मेरे भाई, पूरी बात लिखो यार, आधी अधूरी बात लिखेंगे तो मैं क्या इतना समझदार नहीं हूं ना मेरे भाई। थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर को भी अंकित करिए जब भी आपके कोई डाउट्स हैं, यू शुड मेंशन क्वेश्चन नंबर। चलिए ब्रदर, क्लियर है ब्रो, सेट है मामला? रीना जी कह रही है एफ बता दीजिए। अरे भैया
यफ को अलग से खोल के बताया, फिर भी दिक्कत है यफ में, चाहिए वाला यफ। अरे भैया यफ विषम संख्या है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब इसमें आप क्या ढूंढेंगे, क्योंकि विषम संख्या का फॉर्मेशन है। विषम में पांच तो मिलेगा, 5 मिलेगा, 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, बतेरे 5 मिलेंगे। 20 नहीं मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 35 मिलेगा। लेकिन जीरो बनाने के लिए अकेला 5 थोड़ी कुछ कर सकता है मेरे भाई, 2 भी तो होना चाहिए। इस नंबर में कहीं भी आपको 2 नहीं मिलेगा, और 2 नहीं मिलेगा तो जीरो का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ये छोटी सी बात आपको समझाया मैंने, और किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो पूछिए, अन्यथा आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं, लपेटना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं बड़ी ईमानदारी से। मैंने कहा यार ये लिखा है 4×समथिंग समथिंग समथिंग समथिंग, मैंने कहा 4 के पावर समथिंग कॉमन ले लीजिए, तो कितना है 4×4, 4×2 8, ये 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 4×10, यानी हम समझ गए मेरे दोस्तों 4×10 कॉमन निकल आएगा। अंदर बचेगा 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लाई, यानी 10 का फैक्टोरियल अंदर बचेगा, 10 का फैक्टोरियल अंदर बचेगा ब्रोदर। ठीक है ब्रोदर, ठीक है ब्रोदर, बड़ी ईमानदारी से बताना। मैंने कहा मेरे पास भतेरे 2 हैं, भतेरे 4 हैं, लेकिन मेरे पास 5 कितने हैं ये डिसाइड करेगा कि कितने जीरो बनने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा मेरे भाई कि 10 के अंदर कितने 5 है, तो आप कहेंगे 10 के अंदर गुरुजी सिर्फ 2 ही 5 है, और 10 के अंदर अगर 2 ही 5 है तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना बनेगा, नंबर ऑफ जीरो भी 2 ही बनेगा, क्योंकि भतेरे 4 भतेरे 2 के करेंगे क्या, जब 5 ही बेचारी 2 है तो 2 बेचारे 2 का कल्याण हो जाएगा, बाकी सब हवन करेंगे, बाकी सब क्या करेंगे दोस्तों, हवन करेंगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर एच का। जे खूबसूरत प्रश्न है, जे जे की खूबसूरती पहचानिए भैया, क्वेश्चन नंबर जे की खूबसूरती पहचानिए बड़ी ध्यान से। आप देखेंगे यहाँ पे पावर अप होने लग गया। मैं जानता हूं, मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि 1 से लेकर 32 तक की संख्याओं में 2 भतेरे होंगे, तो हम 2 थोड़ी ढूंढेंगे, हम क्या ढूंढेंगे दोस्तों, 5 ढूंढेंगे बड़ी ईमानदारी से। तो मैं समझता हूं कि 5 के पावर 5 होगा एक जगह, 1 होगा 10 के पावर 5, 1 होगा 15 के पावर 5, 1 होगा 20 के पावर 5, 1 होगा 25 के पावर 5 और 1 होगा 30 के पावर 5। बड़ी ईमानदारी समझना, क्योंकि 1 से लेकर 32 तक में बहुत सारे 2 बनेंगे लेकिन 5 कम बनेंगे, तो 5 को ही हम ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा 5 के पावर 5 के अंदर 5 5 बनेगा, 10 के अंदर 2×5 से 5 ही 5 बनेगा, 15 के अंदर 5 से 15 से 5 ही 5 बनेगा, 5×20 से 5 ही 5 बनेगा। लेकिन खबरदार 25, 5×5 25 होता है, ये 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ 10 5 बनेंगे ब्रोदर, और 30 5×30 1 ही 5 ही 5 बनेगा। तो आंसर आएगा 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 10 35 5 बनेंगे, और अगर 35 5 बनेंगे तो 2 तो भैया 35 से बतेरे ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ जीरो भी क्या होगा भैया 35 बनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न जी, बिल्कुल सेट कर देगा आपको, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बिल्कुल सेट कर देगा, इस लेवल पे सेट करेगा कि एग्जामिनर भी उस लेवल तक ना सोच पाए, उस लेवल तक आपको सेट करेगा ये। बहुत बढ़िया मेरे साथियों, बहुत ईमानदारी से। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है, 1 से लेकर 18 तक का लिखा है, पावर 6 लिखा है। मुझे तो 2 भतेरे मिलेंगे, 5 पे मैं फोकस करूंगा, 1 तो बनेगा 5 के पावर 6, 1 बनेगा 10 के पावर 6, 1 बनेगा 15 के पावर 6, और यहीं तक अपन को जाना है। मैंने कहा यहाँ 6 ही 5 बनेगा, 10 5×2 10 होता है तो यहाँ 6 ही बनेगा, यहाँ भैया 5×3 15 6 ही बनेगा, 6×3 18 5 बनेगा, और 18 5 बनेगा, तो ब्रोदर 2 तो भतेरे हैं, 5 अगर 2 18 ही है तो 18 लोगों का कल्याण होगा और 18 जीरो का फॉर्मेशन हो जाएगा, 18 जीरो का दोस्तों फॉर्मेशन हो जाएगा। सीखिएगा, बड़ी ईमानदारी से सीखिएगा, बड़े आराम से स्मूथली होले होले चीजों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला प्रश्न तो मैंने एग्जांपल में दिया था कि मेरे चीतो जब भी कभी आप एडिशन कर रहे हो, बतेरे आपको जीरो मिलेंगे, लेकिन जिसमें सबसे कम जीरो होंगे आपका आंसर भी वही होगा। नंबर ऑफ जीरो जब एडिशन में हम निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम निकालते हैं, तो सबसे कम वाली वैल्यू को हम पकड़ के क्या करते हैं दोस्तों, सबसे कम वाली वैल्यू में जितने जीरो होंगे वही आपका आंसर होगा, बाकी सब तो जीरो अपने आप बेकार बन जाएंगे, बर्बाद बन जाएंगे। देखिए एक बार बताया कि नहीं बताया, एडिशन करते समय याद आ रहा है, एक बार याद दिला देता हूं आपको, मैंने आपको बताया था कि जब हम एडिशन करेंगे ब्रोदर तो मिनिमम जीरो जिसमें होंगे वही अपना आंसर होगा, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब हम घटाना शुरू करेंगे इसमें, तो जिसमें सबसे कम जीरो होगा मिनिमम जीरो वाला ही हमारा आंसर होगा, लेकिन जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब हम दोस्तों मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, हमें सारे जीरो आपस में जोड़ने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, जितने भी जीरो होंगे सबके जीरो निकाल के। और दोस्तों जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो बात हमने आपको समझाई थी, सब्ट्रैक्शन करते समय सभी जीरो को आपस में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, डिवीजन के समय जब हम डिवाइड करेंगे तो सभी पावर को क्या करना पड़ेगा, सभी जीरो को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, सभी जीरो बतेरे जीरो हैं लेकिन जोड़ रहे हैं, तो मिनिमम संख्या में दो जीरो हैं, तो दो ही हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड वाला भी तो बताया था, डिवाइड करने के लिए आपको जीरो इसके भी निकालने पड़ेंगे, आपके जीरो इसके भी निकालने पड़ेंगे, लेकिन डिवाइड में क्या होता है भाई, जीरो सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि डिवाइड में जितने जीरो नीचे रहेंगे उतने जीरो आपस में कट पिट जाएंगे और जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। यार ये अधूरी बात मत लिखा करिए, ठीक है दोस्त। चलो यम की बात कर लेते दोस्तों, यम की बात करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ लिखा 73 का फैक्टोरियल, तो मैं ढूंढूंगा 73 के फैक्टोरियल में कितने जीरो बनेंगे, तो आप कहेंगे 73 के फैक्टोरियल के अंदर 5 ढूंढना पड़ेगा, 73 के फैक्टोरियल के अंदर मेरे ब्रदर अगर हम 5 ढूंढेंगे तो 5 एक 5 5 24, फिर से 5 ढूंढेंगे तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, बस कितने जीरो भैया 16 जीरो बनेंगे 73 के फैक्टोरियल में। आगे बढ़ते हैं, 40 के फैक्टोरियल में भी जीरो ढूंढना पड़ेगा, 40 में भैया 5 ढूंढेंगे तो 5 8 40, 5 फिर से ढूंढेंगे तो 5 एक 5, नंबर ऑफ 5 बनेगा 9, यानी जीरो बनेंगे 9। लेकिन खबरदार दोस्तों, आंसर ना तो 16 होगा ना तो 9 होगा, क्योंकि ऊपर वाले में 16 जीरो है, नीचे वाले में 9 जीरो है, 9 जीरो से 9 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपस में घटा देंगे, तो नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मेशन जो होगा यम में 7 जीरो का फॉर्मेशन होगा। जब भी हम डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों तो हमेशा नंबर ऑफ जीरो घट जाते हैं, ये हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल से समझाया है, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इस बात को। रीना जी कह रही है जी बता दीजिए, बता तो दिया यार जी, खोल के बता दिया, हमें 2 4 6 8 बतेरे दो मिलेंगे, हमने 5 पकड़ा, 5 यहाँ भी, 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 सबको जोड़ लिया, 5 5 5 5, यहाँ 10 क्यों, क्योंकि 25 के अंदर ऑलरेडी पहले से ही 2 5 था और यहाँ पे पावर ऑटोमेटिक 5 आ चुका है, यानी 10 5 बन गया है, इसलिए हमने यहाँ 10 ले लिया, जोड़ दिया, 35 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा बात, भगवान कितना मतलब पूछने की कितनी जल्दी है, मैंने जबकि 15-20 बार ये बात रिपीट कर दी कि जब हम दोस्तों एडिशन करेंगे तो जिस संख्या में सबसे कम जीरो होंगे वही अपना आंसर होगा, क्यों होगा वो हमने एग्जांपल से भी इनको समझाया है, लेकिन हम क्या बताएं दोस्त, हम क्या ही बताएं, कहां गया एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल, जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ोगे तो भैया इकाई इकाई इकाई, एक जीरो तो एक जीरो उतरेगा, यहां तो अब 6 उतर जाएगा, यहां एक उतर जाएगा, यहां एक उतर जाएगा, तो जीरो दाहिने साइड कितने रहेंगे, एक ही रहेंगे, जितने मिनिमम नंबर में जीरो होंगे उतने ही जीरो बनेंगे एडिशन करते समय, जब आप घटाएंगे ब्रदर तो जीरो यहां भी, जीरो यहां भी, जीरो यहां भी, लेकिन यहां जीरो थोड़ी उतरेगा क्योंकि 7 घटाना पड़ेगा आपको, तो मिनिमम नंबर में जितने जीरो उतने आंसर में भी जीरो, जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 2 10 तो कर देंगे लेकिन जीरो कितने, जितने रहेंगे सबको जोड़ना पड़ेगा, जब आप डिवीजन करेंगे तो जितने जीरो नीचे उतने जीरो ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके जो है जीरो क्या होंगे, सब्ट्रैक होंगे, ये बात हमने कितनी बार चीख चीख के बता दी यार, पता नहीं क्यों समझते नहीं यार तुम लोग इतनी छोटी सी बात, तो यहां हमने वही तो किया, 73 के फैक्टोरियल में हमने जीरो देखा कितने बने 16, 40 के फैक्टोरियल में कितने बन गए 9, 9 जीरो से 9 जीरो कैंसिल, बचेगा कितना 7, 7 आपका आंसर है, क्या दिक्कत है यार इसमें, क्या दिक्कत है ब्रदर, छोटी छोटी बातों में आप क्या दिक्कत आ रही है भैया, सेट है ना, करें दोस्त, कर लेंगे ब्रदर, प्रश्न दिखाते हैं आप सीधे। अच्छा एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा, मैंने आपको यह बताया कि जब गैपिंग बहुत ज्यादा हो, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने आपके सामने लिख दिया 170 प्लस 130, मैंने आपके सामने लिख दिया 17,000 प्लस 130, ये दो एग्जांपल बड़े ध्यान से समझिएगा, जब यहां गैपिंग बहुत ज्यादा है तो इसे यहां तो हमें टेंशन नहीं लेना है, यहां तो हमें समझ में आता है कि जिसमें कम जीरो होंगे वही हमारा आंसर होगा, इसमें सिर्फ एक ही जीरो हमारा आंसर निकल के आएगा क्योंकि दोनों नंबर में गैपिंग बहुत कम है, लेकिन जब गैपिंग बहुत क्लोज होगी ना दोस्त, चांसेस ये हैं कि हो सकता है एक आधा जीरो बढ़ जाए, यहाँ जुड़ के एक जीरो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, वैसे आंसर तो मिनिमम वाला ही होता है, लेकिन अगर ये क्लोजेस्ट है, अगर इनमें गैपिंग कम है तो फिर आपको दोनों को निकाल के एक बार चेक करना पड़ेगा, आंसर तो मिनिमम वाला ही होता है, गैपिंग बहुत ज्यादा होगी तो मिनिमम वाला ही हमारा आंसर होगा जोड़ते समय, लेकिन बढ़ाते समय भी मिनिमम वाला आंसर होगा, लेकिन अगर वो वैल्यू क्लोजेस्ट है तो फिर आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, हो सकता है उछल कूद करते हुए एक आधा 5 इधर उधर से भी निकल जाए, अब वो एग्जांपल से ही आपको समझा पाएंगे, जैसे ये प्रश्न आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9 10, 5 प्रश्न है, एक बार ट्राई करिए, 5 प्रश्न है आपके सामने, आनंद आएगा,
चलिए ब्रदर बढ़िया, आगे लपेटिए। ये पांच प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, इन पांच प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि समय ये भी है कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराना है, ये अच्छे लेवल पे कराना है, नहीं आएगा तो बार बार भी बताना है, बहुत आराम से, बहुत आराम से। मैं जो समझाना चाह रहा था वो अब यहां समझा लूंगा बहुत ईमानदारी से, दोनों प्रश्नों में आपको क्लियर हो जाएगा मैं जो कहना चाह रहा था। एक्चुअली मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम एडिशन करते हैं तो फैक्टोरियल में या किसी नॉर्मल नंबर में भी अगर हम एडिशन करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो मिनिमम फैक्टोरियल में या मिनिमम नंबर ऑफ जीरो में छिपा होता है, मिनिमम जो भी होगा वही आंसर होता है एडिशन करते समय। सब्ट्रैक्शन करते समय भी वही कहानी, मिनिमम वाली लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन करते समय सारे जीरो निकाल के मल्टीप्लाई जोड़ देते हैं आपस में। डिवीजन करते समय सारे जीरो निकाल के आपस में घटा देते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने। तो लेकिन जब दोस्तों देखो, ये फैक्टोरियल 42 का लिखा है, 43 का लिखा है, बहुत क्लोज है, तो चांसेस है, हमें तो पता कि मिनिमम वाले का निकाल दो आंसर वही हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 43 के फैक्टोरियल में हमें एकाधिक जीरो का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे यहाँ पे गैपिंग बहुत ज्यादा है ना, तो यहाँ हमें सबका नहीं निकालना, सिर्फ 32 का निकाल के आंसर साइड कर देना है। यहाँ 100-200 बहुत गैपिंग है, तो 100 का फैक्टोरियल का जीरो जितने होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जहां क्लोजेस्ट है, जैसे दो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ जीरो यानी पांच निकालना है, पांच से कम की गैपिंग है ना यहाँ पे, तो हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। पांच से कम की गैपिंग हमें यहाँ भी है ना, तो यहाँ हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पांच से ज्यादा की गैपिंग है, यहाँ भी ज्यादा गैपिंग है, तो यहाँ हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जोड़ते घटाते समय मिनिमम फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे आपका आंसर वही होना है, ये बात हमने आपको समझाया था। लेकिन वैल्यू अगर बहुत क्लोज है तो आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। बड़े ध्यान से देखना, पहले ए और डी को भी छोड़ के पहले बी और सी लपेट दीजिए। मैंने कहा 32 का फैक्टोरियल प्लस 55 का फैक्टोरियल प्लस 97 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताना है, तो सारे जीरो ना निकाल के मिनिमम वैल्यू वाले का जीरो निकालिए, यानी 32 वाले का निकालिए बस। तो 32 वाले में जीरो निकालना है मतलब पांच ढूंढना है, पांच ढूंढेंगे तो 5×6=30 छह बार जाएगा, पांच ढूंढेंगे तो 5×5 एक बार जाएगा, नंबर ऑफ पांच सात आएगा, यानी नंबर ऑफ जीरो भी इसमें क्या आएगा, सात आएगा। सबके जीरो नहीं निकालेंगे क्योंकि गैपिंग बहुत बड़ी है, तो जिसमें सबसे कम जीरो होंगे आंसर वही आएगा। पहले एक बार बी वाले को पचा लीजिए बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ पचाइएगा। बातचीत नहीं यार, प्लीज बातचीत नहीं। मैंने कहा सी वाले को देखते हैं, 100 का फैक्टोरियल 200 का, बहुत बड़ी गैपिंग है, तो जिसमें मिनिमम वाले में जितना जीरो होगा वही अपना आंसर है, यानी हम सीधे ढूंढेंगे कहाँ भैया, 100 के फैक्टोरियल के अंदर देखेंगे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। और वैसे भी आपको याद है 100 के फैक्टोरियल में 24 होते हैं, 5 के अंदर 20 हो जाए, 5 से 20 ढूंढेंगे, 5 से 4 ढूंढेंगे, नंबर ऑफ 5 24, यानी नंबर ऑफ जीरो भी 24। जहां गैपिंग इतनी है, 5 से ज्यादा गैपिंग है, वहां तो आपको मिनिमम वाली वैल्यू को पकड़ के आंसर सट्ट दे बता देना है। आपको समझना है ये बात, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, जोड़ते समय और घटाते समय मिनिमम जीरो जिस नंबर में होंगे वही आपका आंसर है, सभी को निकालने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वैल्यू क्लोजेस्ट हो, जहां गैपिंग 5 से कम हो, क्योंकि जीरो का फॉर्मेशन 5 की वजह से और 2 की वजह से हो रहा है, 5 से कम की गैपिंग होने का मतलब यह है मेरे भाई एकाध जीरो छटक के इधर उधर हो सकता है, तो वहां आपको दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ए और डी है, आप ध्यान से देखिएगा, ए और डी में मैं क्या सोच रहा हूं, ये 42 का फैक्टोरियल लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 43 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको 42 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 42 तक का मल्टीप्लाई हो गया और गुणे 43 लिख सकता हूं क्या, क्या इस बात में किसी दोस्त को कोई दुख है क्या, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, है तो बताइएगा। अब मैं क्या करूंगा, 42 का फैक्टोरियल यहाँ, 42 का फैक्टोरियल यहाँ, 42 का फैक्टोरियल कॉमन निकाल दूंगा, 42 का फैक्टोरियल मेरे दोस्तों मैं निकाल दूंगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा ब्रदर 1 और यहाँ बचेगा ब्रदर 43, यही तो मैं चाहता था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि 42 के फैक्टोरियल के अंदर, मुझे ये बात पता है बहुत अच्छे से कि 42 के फैक्टोरियल के अंदर अगर मैं बात करूं, 42 के फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ पांच कितने हैं, तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पांच कितने हैं, नंबर ऑफ पांच कितने हैं ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए निकालते हैं, 42 के फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ पांच निकालेंगे, तो आप कहेंगे 5×8=40, ठीक है ब्रदर, 5×5 कितने हैं भैया, 9 है, तो 9 5 तो यहाँ बन गए, 9 5 है और 2 तो बतेरे होंगे यहाँ पे, और यहाँ कितना बन रहा, 44 ही बन रहा है ना, यानी यहाँ कोई मतलब नहीं निकला, यहाँ 5 मिला नहीं हमें, तो 9 ही 5 बना, तो यहाँ भी आंसर 9 ही है। जरूरी नहीं कि आपका एक्स्ट्रा हो ही जाए, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिनिमम वाला ही आंसर था, मिनिमम वाले का निकाल के हमने निकाल देना था इसको। लेकिन मुझे ये चांसेस लग रहा था कि हो सकता है एक आध पांच यहां से छटक के आ जाए, इसलिए मैंने इसका कैलकुलेशन दोनों तरफ से किया।
ऐसे इन दोनों का भी करेंगे, ये लिखा 76 का फैक्टोरियल, ये लिखा 75 का फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूंगा 76 को लिख दूंगा 75 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 76। इस बात में किसी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों लिखूंगा दोस्तों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि 75 के फैक्टोरियल को मैं कॉमन निकाल दूं। 75 के फैक्टोरियल को कॉमन निकालूंगा तो यहां बचेगा 76 और यहां बचेगा 1। देखो यहां खेल हो गया, खेल हो गया, जो होना था वो हो गया मेरे भाई। 75 के फैक्टोरियल में कितने जीरो बनेंगे वो तो हम निकाल देंगे तुरंत, क्योंकि हम जानते हैं कि 75 के अंदर 5 कितने हैं। तो 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 एक 5 कितने भैया 31 जीरो तो यहां बन जाएंगे, 31 5 तो यहां बन जाएगा। और ध्यान से देखिए तो 75 के अंदर भी ये फैक्टोरियल नहीं है, ये 75 लिखा है, और 75 का मतलब 25 तिहाई 75, 2 5 आपको यहां से मिल जाएगा, 2 जीरो यहां से मिल जाएगा, टोटल जीरो कितना बनेगा इस प्रश्न में भैया 33 जीरो बनेगा। खूबसूरत प्रश्न था ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी बहुत बढ़िया प्रश्न था, दिमाग की दही कर देगा अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो। और नहीं समझ में आया हुआ तो मैं अगली स्लाइड में फिर बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका फोकस हटा तो फिर मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर आप फोकस कर लिए ना तो आनंद आएगा, इस बात की गारंटी है मेरे भाई। फोकस फोकस का खेल है। मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त कि जब भी कभी घटाएंगे या जोड़ेंगे तो जो मिनिमम वैल्यू होगी, नंबर ऑफ जीरो उसमें जितने होंगे वही आंसर होगा, लेकिन जब वो वैल्यू बहुत क्लोज होगी, जब वो वैल्यू 5 से छोटी होगी क्लोज में, तो फिर हम उसको कॉमन निकाल के देखते हैं कि कहीं कॉमन निकालने की वैसे 5 का फॉर्मेशन तो नहीं हो गया, जैसे यहां पे हो गया 75, 75 का मतलब 25 थे 75, 25 के अंदर 2 5, तो 2 5 एक्स्ट्रा बन गए, 2 5 एक्स्ट्रा बन गए तो 2 0 एक्स्ट्रा बन गए, 2 0 एक्स्ट्रा बन गए तो समझ गए आपकी 2 0 एक्स्ट्रा बनने का मतलब उधर से बन रहा था मेरे दोस्तों 31 0, यहां से 2 और बन गए तो 33 0 बन जाएगा। 75 का फैक्टोरियल नहीं निकाला मेरे भाई, 75 का मतलब 25 तिहाई 75 होता है, 25 के अंदर 2 5 होता है, ये फैक्टोरियल थोड़ी लिखा है, फैक्टोरियल तो हमने बाहर कॉमन निकाल दिया है। अच्छा गलत है, फैक्टोरियल गलत है, ओह यहाँ गलत है तो देख लीजिए एक बार फिर से, ये कैलकुलेशन गलत है एक बार देख लीजिए, 5 1 5, अच्छा 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, ठीक है, तो 15 3 18 बन रहा था यहाँ पे, गलत है सॉरी भैया, गलत 18, यहाँ 18 यहाँ 2 20 बनेगा इसका आंसर, ठीक है 20। एक बार दोबारा बता देते हैं कौन सा वाला, ए वाला और डी वाला, अगले पेज पे बता देते हैं फिर से, एक बार ए वाला और डी वाला फिर से बता देते हैं आपको। मुझे पता है कि ए और डी में दिक्कत आई होगी, वैसे मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं कि जब भी कभी आप एडिशन या सबट्रैक्शन करेंगे तो जो मिनिमम फैक्टोरियल होगा जिनमें गैपिंग ज्यादा क्यों होगी तो मिनिमम वाली वैल्यू पकड़िए, नंबर ऑफ जीरो जितने उसमें होंगे वही आपका आंसर है। लेकिन अगर वैल्यू 5 से छोटी क्लोजेस्ट में है तो आपको दोनों को चेक करना चाहिए। एक बार मैं ए और डी फिर से रिपीट कर देता हूं, 42 और 43, 76 और 75, 42 का फैक्टोरियल प्लस 43 का फैक्टोरियल, 76 का फैक्टोरियल माइनस 75 का फैक्टोरियल। वैसे आपको पता है कि आंसर चाहे जोड़िए चाहे घटाइए आंसर छोटा वाला फैक्टोरियल होता है, लेकिन जब वैल्यू क्लोज होती है तो एक आध जीरो बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, 42 का फैक्टोरियल निकाल दिया कॉमन तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 43 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 42 का फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 42 तक का मल्टीप्लाई और 43। तो जब हमने ये कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचेगा 43। अब मैंने देख लिया कि यहाँ तो कोई 5 का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है तो इसका कोई मतलब है ही नहीं, इसके अंदर जितने जीरो बनेंगे वही हमारा आंसर होगा। 5 से डिवाइड करेंगे 5 8 40, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5, कितने बनेंगे 9 9 5 का मतलब 9 0, पहले वाले में तो कोई अंतर नहीं आया, वही आंसर है, जो मिनिमम वाला आंसर था वही आंसर है। इस वाले में हमने देखा कि मैंने कहा 75 का फैक्टोरियल लिखा है, इसको मैं चाहूं तो 76 को लिख सकता हूं, 75 का फैक्टोरियल 1 से 75 तक का मल्टीप्लाई हो गया, 76 बच गया यहां पे। तो 75 का फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो अंदर बचेगा 76 और यहां बचेगा 1। मैं यही चाह रहा था, मुझे यही लग रहा था कि जब क्लोजेस्ट वैल्यू होंगी ना तो ब्रैकेट के अंदर हो सकता है एक आध 5 निकल के आ जाए, जो यहां पे आ चुका है। तो 75 के फैक्टोरियल में क्या आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, बस 18 जीरो तो यहां से बन गए, ठीक है। अब यहां क्या बच रहा है, 75, ये फैक्टोरियल नहीं है मेरे भाई, ये 75 लिखा है, 75 का मतलब 25 × 3 लिखा है, 25 × 3 का मतलब मेरे भाई क्या समझते हैं, 25 × 3 का मतलब 5 की पावर 2 लिखा है, तो 2 0 यहां से 18 0 यहां से, यानी कुल मिला के नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मेशन 20 होगा। बहुत खूबसूरत जवाब, बहुत खूबसूरत प्रश्न।
मैंने अभी तक की बातों में आपको ये समझाया है कि मेरे दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो मिनिमम जीरो जिसमें होंगे वही आंसर है, जब आप घटाएंगे तो मिनिमम जीरो होंगे जिसमें वही आंसर है, जब आप फैक्टोरियल में जोड़ेंगे और गैपिंग ज़्यादा है, पाँच से ज़्यादा गैपिंग है, तो आप छोटे वाले का ही आंसर निकाल के आंसर बता सकते हैं, जब आप घटाएंगे तो छोटे वाले का आंसर निकाल के आंसर बता सकते हैं, बशर्ते अगर गैपिंग बहुत कम है, पाँच से भी छोटी गैपिंग है, तो आपको दोनों चेक करके एक बार देख लेना पड़ेगा कि कॉमन निकालने से कोई अलग सा पाँच का फॉर्मेशन तो नहीं हो जा रहा है। चलिए वाला देख लीजिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाएंगे ना, दोनों निकालने पड़ेंगे, 24 का फैक्ट 34 और 46 दोनों को हमें देखना पड़ेगा। 34 का फैक्टोरियल, ई वाला प्रश्न करा रहा हूं, मल्टीप्लाई लिखा है मेरे दोस्त, 46 का फैक्टोरियल, 46 का फैक्टोरियल, तो जीरो दोनों को निकालने पड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर जीरो निकालेंगे तो चलिए मन में डिवाइड करिए, 5 का 30 6 बार में, फिर से डिवाइड करिए 5 का 5, यानी 7 जीरो ये हो गए, यहाँ मन में डिवाइड करिए 5 9 45, फिर से 5 से डिवाइड करिए 5 1 5, 10 जीरो हो गया, सबको जोड़ दीजिए 10 और 7 17 जीरो का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब भी दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्टार्टिंग से चीखता हुआ आ रहा हूँ कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाते हैं, और इसमें आंसर क्या आएगा पल्लवी जी, 17 इसका बिल्कुल खूबसूरत जवाब आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाले का। समझ में आ रही बात, सुरभि जी कह रही रिपीट कर दो, अब देखो अधूरी बात बोलते हैं दोस्त, बोला करो कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूँ, तब मैं आपकी बातों को और भावनाओं को समझ पाऊंगा। लीजिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा, चलिए भैया आगे बढ़िए, अभी क्लियर करते हैं, अभी आपको जो डाउट है ना सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इतने सारे प्रश्न लेके आया हूँ, किस लिए लाया हूँ भैया, इसीलिए लाया हूँ ताकि आपके दिमाग की बंद नसों में खून की धारा बहा पाऊं, दौड़ा पाऊं, दिमाग की नसें खोल पाऊं जो बंद हो चुकी हैं। चलिए ब्रदर, 4-5 प्रश्न और दिख रहे हैं आपके सामने अभी स्क्रीन पर, बड़ी ईमानदारी से इन प्रश्नों के जवाब दीजिएगा, आनंद आएगा, आनंद की परम प्राप्ति होगी आपको, सुकून मिलेगा आपको, सुकून। अब आप समझ गए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के जीरो निकालने पड़ेंगे और जोड़ने पड़ेंगे, ये वाला देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, 251 का फैक्टोरियल लिखा है और मल्टीप्लाई 46 का फैक्टोरियल लिखा है, 251 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 25, 500, अगेन 5 से डिवाइड करिए 5 1 5, 500, अगेन 5 से डिवाइड करिए 5 2 10, अब डिवाइड नहीं होगा, इतने जीरो ये हो गए, इस वाले में डिवाइड करिए 5 9 45, इतना बचेगा 1, छोड़ दो, फिर से 5 से डिवाइड करिए 5 1 5, हो गया, सबको जोड़ना ही तो है अब आपको, तो 50 10 60 60 10 70 70 2 72, नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे 72, मल्टीप्लिकेशन में सारी नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाते हैं तो 72 नंबर ऑफ जीरो बनने वाले मेरे दोस्तों, पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 72 होने वाला है। क्या इस बात में किसी दोस्त को, कोई भाई को दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, इजी है। अब जी को बड़े खूबसूरती से देखना, यहां कुछ कहानी गड़बड़ हो गई दोस्त, यहां फैक्टोरियल नहीं लिखा है, यहां लिखा है 502 से 1110 तक का मल्टीप्लाई, अरे यार ये आपको चोमू बना रहा है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, बड़े ध्यान से देखे तो एक्चुअली ये क्या लिखा है मेरे भाई, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 से लेके 1110 तक का मल्टीप्लाई, यानी 1110 का फैक्टोरियल में, अगर 1 से लेके 501 तक के फैक्टोरियल को डिवाइड कर दें तो यही तो आंसर आएगा, यानी एक्चुअली में ये प्रश्न ऐसे लिखा है एक तरीके से मानिए तो, 1110 के फैक्टोरियल डिवाइड बाई 501 का फैक्टोरियल, क्या ये यही बात लिखी है, ये पागल बना रहा जी वाला प्रश्न, ध्यान से देखिए यहाँ पे बीच से मल्टीप्लाई करने के लिए इसने बोला है 502 से लेके 1110 तक का, जबकि हमें पता है कि हमने जो सारे खेल खेले हैं मेरे दोस्तों वो सारे के सारे खेल फैक्टोरियल के अंदर खेला है, तो मैंने कहा इसको फैक्टोरियल बनाना बाएं हाथ का काम है, मैं ऐसा कर लेता हूं 1 से लेके 1110 तक का मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरो निकाल दूंगा और उसमें से 1 से लेके 501 तक के मल्टीप्लाई का नंबर ऑफ जीरो घटा दूंगा, खत्म हो जाएगा कहानी, घटाते कहां है, डिवाइड में घटाते हैं, तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, 1 से लेके 1110 मतलब 1110 के फैक्टोरियल में डिवाइड कर दूंगा 1 से लेके 501 तक के फैक्टोरियल का, तो भैया अपने से ही नंबर ऑफ जीरो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, चलिए कर देते हैं बर्बाद इनको, चलिए नंबर ऑफ जीरो इसमें निकालिए, मन में निकालिए 5 2 10, अब ऐसे करिएगा 0 5 2 10 बचेगा 1 5 2 10 5 2 10, ठीक है दोस्त, प्लस इसमें फिर से डिवाइड करिए 5 5 20 5 5 20, फिर से डिवाइड करिए 5 8 40, फिर से डिवाइड करिए 5 1 5, इतने जीरो बनेंगे,
इस वाले में डिवाइड करिए भैया 100 बार में, फिर से 20 बार में, फिर से 4 बार में। इसमें से इसको वाला घटाना पड़ेगा भैया, तो घटा दो। नंबर ऑफ जीरो बन गया 222 प्लस 44 266, 66 और 8 274, 66 और 8 मेरे भाई कितना हो गया 274 और एक 275, 275 जीरो तो ये हो गया टोटल। और इसमें से हमें 124 हटाना पड़ेगा, हो जाएगा मामला रफा दफा और यहां से बात बन जाएगी और हो जाएगी कहानी कुछ इस तरीके की। 151 जीरो बनेगा जी वाले में। कैलकुलेशन एक बार देखिएगा बड़े ध्यान से, 151 जीरो बनेगा जी वाले में, 151 कंफर्म करिएगा बड़े ध्यान से, कंफर्म करिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मेरे दोस्त, कोई समस्या हो तो तुरंत पूछिएगा, अभी कोई जल्दीबाजी अपन को नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए। क्लियर करिए जल्दी से, चाबी नहीं लेगा यार तुम, हाँ मेरे पास था ना, ठीक। 151 किसका आ रहा है भैया, पल्लवी जी 151 कौन से वाले का, जी वाले का, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं मेरी, 174 नहीं आ रहा क्या? ओ, 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 ओ। अरे भैया ये मल्टी, ये डिवीजन है इसमें, अच्छा आंसर ठीक है ठीक है, 151 ही तो ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए इस वाले प्रश्न में क्या लिखा है, एक्चुअली ये पागल बना रहा है, हम क्या कर देंगे 1 से लेके 1000 तक का मल्टीप्लाई, यानी 1000 के फैक्टोरियल में, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1000 के फैक्टोरियल में अगर मैं डिवाइड कर दूं किसका भैया, 1 से लेके 305 का, यानी 305 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ जीरो निकल आएंगे। चलिए निकाल देते हैं मेरे भाई, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दुनी 10 200 बार में, फिर डिवाइड करेंगे 5 × 20 40 बार में, फिर डिवाइड करेंगे 5 × 40 8 बार में, फिर डिवाइड करेंगे 5 × 5 एक बार, इतने बनेंगे। इसमें से घटाना पड़ेगा, इसमें 5 × 6 = 30, 5 × 5 61 बार में, फिर से 5 × 5 5 दुनी 10 12 बार में, फिर से 5 दुनी 10 2 बार में, ये जीरो हमें हटाने पड़ेंगे। अब जानते हैं 240, 848, 249 में से मेरे दोस्तों घटाना पड़ेगा ब्रदर, कितना 61, 10 71 और 2 73 और 2 75, 75 अपन को घटाना पड़ेगा और आंसर निकल के आएगा ब्रदर, आंसर जो अपना निकल के आने वाला है वो आने वाला है 174, 174 जीरो इसके आएंगे जी वाले के भी, एच वाले के 174 आएगा। प्रेमलता जी कह रहे हैं जी को रिपीट कर दीजिए सर जी, ठीक है कर देते हैं, कर देते हैं मेरे भाई, कर देते हैं। हाँ नीलम जी लाइट चली गई अभी, देखिए भैया प्रेमलता जी बड़े ध्यान से देखिएगा कि अभी तक हम जो खेल खेल रहे थे स्टार्टिंग से लेके अब तक, वो सारे खेल हम फैक्टोरियल के अंदर खेल रहे थे, लेकिन इसने डायरेक्टली मल्टीप्लाई दे दिया। अब इंडिविजुअली आप तो चेक कर नहीं पाएंगे यहाँ पे कितने पांच है, क्योंकि 502 से लेके 1110 तक का मल्टीप्लाई देगा, ये कैसे चेक करेंगे, छोटा मोटा मल्टीप्लाई तो नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई है, पांच तो भतेरे आएंगे, 505 में आएगा, 510 में आएगा, भतेरे पांच आएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्त। है ना, तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में सेट करते हैं, तो कैसे करेंगे ब्रदर, 1 से लेके यहां तक का मल्टीप्लाई करके 1 से लेके 501 तक के मल्टीप्लाई को हटा देंगे, खत्म हो जाएगा कहानी, यानी 1110 के फैक्टोरियल में 501 के फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा, और वही काम हमने दोनों में किया है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है दोस्त, क्लियर ब्रो, बहुत बढ़िया मेरे सिरों। चलिए अगर आपको जीएच क्लियर हो गया तो आई में आ जाइए, 1 का फैक्टोरियल × 2 का फैक्टोरियल × 5 का फैक्टोरियल कहां तक जा रहे हैं भैया, 28 तक कैसे जाएंगे यार, दो दो की गैपिंग पे है तो 127 लिखो फिर, तो 27 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि विषम संख्या है ना मेरे भाई, 1, 3, 5, 7 ऐसे चल रहा है, 27 तक ही तो लिखना पड़ेगा आपको। चलो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ईमानदारी से करिएगा। अब वो समस्या इस बात की है ब्रदर, क्या समस्या है जानते हैं दोस्त, बहुत खतरनाक प्रश्न हो गया ये। चलिए इस प्रश्न से पहले पहले इस प्रश्न को करिए, फिर अगले पेज पे चलेंगे हम। अब यहां हमने देखा 1 से लेकर 99 तक क्या है, सिर्फ ऑड नंबर है, तो यहां तो कोई जीरो बनेगा नहीं, लेकिन इसने अलग से 2 दे दिया 12, और 12 2 दे दिया तो 12 जीरो का फॉर्मेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे यहाँ पे 12, क्योंकि 5 तो इसने बतेरे है ना, 5 है, 15 है, 25 है, बहुत सारे 5 है, तो यहाँ पे खेल हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं 5 कितना है, 99 के अंदर अगर आप ढूंढेंगे दोस्तों तो 5 आपको मिलेगा, 5 × 5 19 मिल गया, ज्यादा मिल गया मतलब सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, मामला ठीक है, जरूरत नहीं है 5 चेक करने की, 12 2 है मतलब 12 जीरो का फॉर्मेशन हो जाएगा जे वाले में। एक बार डाउट क्लियर करिए कि आई को छोड़कर बाकी सब प्रश्न आपके क्लियर है, एफ जी एच जे बिल्कुल क्लियर है भैया, क्लियर करिए भैया, सेट करिए भैया दोस्तों।
यहाँ तक कि कहानी को बिल्कुल सेट कर दीजिए, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊँ। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी कोई जल्दीबाजी मुझे कतई भी नहीं है। जब तक पूरा बात इंजेक्ट नहीं हो पाएगा तब तक आनंद नहीं आएगा। आनंद की परम प्राप्ति कर पाएंगे आप जब आप पूरी बात को इंजेक्ट कर पाएंगे। एक प्रश्न बच रहा है, कौन सा वाला भैया? आई वाला। इसको अगली स्लाइड पे करते हैं। क्या लिखा है? एक का फैक्टोरियल 27 तक के फैक्टोरियल को हम लिखेंगे। बहुत खतरनाक प्रश्न होगा ये। एक का फैक्टोरियल गुड़े तीन का फैक्टोरियल गुड़े पाँच का फैक्टोरियल गुड़े सात का फैक्टोरियल, ऐसे तो लिखा है। और ये जा रहे हैं हम कहाँ तक? 27 के फैक्टोरियल, 27 के फैक्टोरियल तक जा रहे हैं ना मेरे भाई। बहुत बढ़िया गुरु जी, मेरे 99 के फैक्टोरियल नहीं है ना जी, मेरे 99 का फैक्ट नहीं है। क्या कह रहे हो दोस्त? समझ नहीं पाया पल्लवी जी। 99 तक का, हाँ इसमें तो पाँच है ना, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, लेकिन ये 2 12 मिल गया ना, इसमें 5 बतेरे हैं, लेकिन अपने पास 2 ही 12 2 ठो है, और 12 2 का 12 5 से मल्टीप्लाई होकर 12 जीरो का फॉर्मेशन कर देंगे जे वाले में। जे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। प्रकाश बोलो बोलो, सारी नहीं यार, अभी तो रुक जाओ, अभी थोड़ा सेट कर लेने तो फिर सारी बोलना दोस्त। अभी तो बड़ा उलझा हुआ हूँ मैं, है ना, अभी तो सब खेल उलझा उलझा हुआ है, उलझा उलझा। चलो ध्यान से देखो, अब मेरे ब्रदर ध्यान समझना। मैंने कहा कि अपने को ढूंढना है क्या? 5। तो बहुत ध्यान से सीखना कि हमें पता है कि 5 का एंट्री 5 से लेकर 10 तक के बीच, 5 से लेकर 10 तक के बीच में होगी, फिर 10 से 15 के बीच में होगी, फिर 15 से 20 के बीच में होगी, फिर 20 से 25 के बीच में होगी, फिर 25 से 27 के बीच में होगी। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे ब्रदर, बहुत ध्यान से सीखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 से लेकर 9 तक के फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, 5 से लेकर 9 तक के फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, तो समझिएगा बड़े ध्यान से, मैं ऐसे ऐसा सेट कर 5 5 का जोड़ा बना लेता हूं। 5 से लेकर 9 तक को अलग देख लूंगा, 10 से लेकर 14 को अलग देख लूंगा, 15 से लेकर 19 को अलग देख लूंगा, 20 से लेकर 24 को अलग देख लूंगा, और 25 से लेकर 27 को अलग देखने वाला हूं। क्यों देखने वाला हूं अभी समझ में आएगा आपको, समझिएगा ब्रदर। क्योंकि 5 के फैक्टोरियल में 1 5 आएगा, 6 में भी 1 आएगा, 7 में भी 1 आएगा, 8 में भी 1 आएगा, 9 में भी 1 आएगा, 10 में भी आएगा। 5 6 7 8 9, तो कितने बन गए? 5। 5 तो यहां से बन गए। दिख रहा आपको? नहीं समझ में आ रहा? हाँ भाई ध्यान समझना मेरे दोस्त। मैंने कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, 5 से लेकर 9 तक के फैक्टोरियल के बीच हर एक फैक्टोरियल के अंदर, जैसे 5 के फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, 5 के फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, तो आप समझते हैं कि 5 के फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े 5। कितने 5 बनेंगे यहाँ पे? 1 5 बनेगा। जब मैं 6 के फैक्टोरियल की बात करूंगा तो यही सेम चीज रहेगा, बस 6 ही तो एंट्री होगा, यानी अभी भी 1 5 रहेगा। ऐसे 9 के फैक्टोरियल की बात करूं तो वहां भी क्या रहेगा? 1 ही 5 रहेगा। तो कुल मिला के यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, 5 5 का जोड़ा बना के आपके सारे 5 सेल्ट आ रहा हूं मैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे बनेंगे 5 5 5 5 5, तो यहाँ बन गया 10 से 14। 10 का मतलब 5 दुनी 10 5 दुनी 10। अब जब 10 के फैक्टोरियल में हम जाएंगे ना दोस्त, जैसे हम 10 के फैक्टोरियल की बात करेंगे दोस्तों, तो आप समझ जाएंगे अब 2 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 के फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई, तो 1 5 तो 5 में होगा, 1 5 तो 10 में होगा, यानी हर एक फैक्टोरियल में अब 2 2 5 निकल के आएगा, और 2 2 5 निकल के आएगा तो यहाँ क्या मिलेगा? 10 5 मिलेगा। आगे 15 के फैक्टोरियल में दोस्तों 3 5 मिलेगा ना, 3, 1 5 में, 1 10 में, 1 15 में, हर एक संख्या में 3 3 19 तक, यानी 5 3 15 5 यहाँ मिल जाएंगे आप, समझिएगा बड़े ध्यान से। 20 से 24 में हर एक संख्या में 4 5 मिलेंगे, 5 में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, और 24 तक 5 संख्या है, यानी 20 5 यहाँ से हो जाएंगे। बड़ा संभाल के आगे वाला खेल समझना। 25 के अंदर अगर मैं 5 ढूंढूं तो 5 नहीं 6 5 होंगे, क्योंकि 1 5 5 में मिलेगा, 1 10 में मिलेगा, 1 15 में मिलेगा, 1 20 में मिलेगा, और 25 के अंदर 2 मिलेंगे, यानी 6 5 यहाँ मिलेंगे, 6 5 25 में मिलेंगे, 6 5 26 के में मिलेंगे, 6 5 27 में मिलेंगे। बड़े ध्यान से सीखना तभी आनंद आएगा, वरना विकेट तो इसमें गई है आपकी। तो भैया आपका आंसर आ चुका है 20 10 15 35, और 10 45, 5 50, 10 60 8 68 इज द राइट आंसर। बहुत खतरनाक और दिमाग की दही करने वाला ये प्रश्न है। एक बार देख लो, बहुत अच्छा प्रश्न है, ना समझ में आया तो पूछना, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, थोड़ा सा खोल के इसको बताता हूं। बहुत बढ़िया प्रश्न। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, हुस्न खुदा ने दिया आशिक हम हो गए, तुम नसीब में किसी और की थी बर्बाद हम हो गए। क्या चल रहा है दोस्त?
बर्बाद हो गए, तुम हो जाओगे बर्बाद। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना भैया? सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ यही समझा रहा हूँ दोस्त, मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं मेरे मेरे भाई मेरे मित्र, बड़े ध्यान समझना, एक से लेके चार तक के फैक्टोरियल में पाँच की कोई एंट्री तो है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ पाँच से लेके नौ के फैक्टोरियल की। पाँच से लेके पाँच के फैक्टोरियल का मतलब एक से लेके पाँच का मल्टीप्लाई, छः का मतलब एक से लेके छः का मल्टीप्लाई, सात का मतलब एक से लेके सात का मल्टीप्लाई, आठ का मतलब एक से लेके आठ का मल्टीप्लाई, नौ का मतलब एक से लेके नौ तक का मल्टीप्लाई। तो सब में एक एक पाँच ही तो मिलेगा, हर एक फैक्टोरियल में एक ही पाँच मिलेगा, यानी पाँच संख्या है तो पाँच पाँच मिलेगा। जैसे दस के फैक्टोरियल में हम जाएंगे ना, तो दस का फैक्टोरियल का मतलब है मेरे भाई एक से लेके दस तक का मल्टीप्लाई, एक से लेके दस तक के मल्टीप्लाई में एक पांच पांच पे है, एक पांच दस पे है, यानी हर एक संख्या दो पांच कैरी करेगा। तो दस वाला फैक्टोरियल भी दो पांच कैरी करेगा, ग्यारह वाला भी, बारह वाला भी, तेरह वाला भी, चौदह वाला भी, हर एक संख्या दो पांच यानी दस पांच यहां से बन जाएंगे। जैसे आप पंद्रह के फैक्टोरियल पर जाएंगे तो पंद्रह के फैक्टोरियल का मतलब मेरे चीते एक से लेके पंद्रह तक का मल्टीप्लाई, एक से लेके पंद्रह तक के मल्टीप्लाई का मतलब एक पांच पांच पे है, एक पांच दस पे है, एक पांच पंद्रह पे है, हर एक संख्या तीन पांच कैरी करेगा। और यहाँ पे फिर से पंद्रह वाला भी तीन करेगा, सोलह तीन करेगा, सत्रह तीन करेगा, अठारह तीन करेगा, उन्नीस तय करेगा, यानी पांच तीन पंद्रह पांच यहाँ से हो गए। जैसे मेरे चीते आप 20 के फैक्टोरियल पर जाएंगे तो 20 के फैक्टोरियल में चार पांच होते हैं, एक पांच पे, एक पंद्रह दस पे, एक पंद्रह पे, एक 20 पे, 20 या 20 से आगे हर संख्या चार चार फैक्टोरियल, पांच चार चार पांच क्रिएट करेगा, 20 वाला भी, 21 वाला भी, 22 वाला भी, 23 वाला भी, 24 वाला भी, पांचों को 20 पांच यहां से बन गए। अब 25 के अंदर पांच पांच नहीं है, छह पांच है, क्योंकि 25 में एक पांच पे है, एक दस पे है, एक पंद्रह पे है, एक बीस पे है, और 25 के अंदर ऑलरेडी दो है, तो छह पांच है। 25 वाले में भी छह पांच है, 26 के फैक्टोरियल में भी छह पांच है, 27 के फैक्टोरियल में भी छह पांच है, तो तीन फैक्टोरियल यहां से हमने ले लिया, 18 सबको जोड़ दिया, 68 इज द राइट आंसर। खतरनाक क्वेश्चन हो गया भैया ये, कन्फर्म करिए एक बार, सेट करिए मामला, समझ ना आए तो पूछ लो यार, एक नहीं हजार बार पूछ लो, मैं तो बताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, बस आपकी इंटेंशन आपके इरादे सीखने वाले होने चाहिए, अगर हैं तो मजा आएगा और नहीं है तो फिर सजा ही सजा है भाई, क्या ही बोलूँ फिर मैं तो। क्लियर ब्रो, सेट मामला, डन है दोस्त, क्लियर कर दीजिए भैया। हे परमात्मा, हे प्रभु, कौन सा प्रश्न था ये? अच्छा सिर्फ इसमें ऑड था क्या? अच्छा, ये था ओनो, तो मुझे ये नहीं लेना था ना, दस वाले नहीं लेने थे, सही कह रहे हो दोस्त, सही ध्यान दिलाया मैंने, ये दस का फैक्टोरियल तो है ही नहीं इसमें, दस तो नहीं है लेकिन ग्यारह है। अच्छा इवन वाला तो है ही नहीं ना यार, अब ये प्रश्न तो कुछ और हो गया, ये प्रश्न तो ये हो गया कि एक से लेकर 27 तक के फैक्टोरियल का खेल हो गया ये। चलो अब जो ये प्रश्न था एक बार इसको देख लेते हैं, ये प्रश्न में तो इवन था ही नहीं यार, हम बेवजह इवन को लेकर दौड़ा रहे हैं, एक तीन पांच सात सत्ताईस था ना। चलो एक बार फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को, एक का फैक्टोरियल, तीन का फैक्टोरियल, पांच का फैक्टोरियल, बहुत अच्छा प्रश्न हो गया भैया ये, सात का फैक्टोरियल और सत्ताईस का फैक्टोरियल, इवन नंबर इसमें तो है ही नहीं यार, ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो चलिए फिर भी वही खेल खेलना पड़ेगा, पांच से लेकर नौ तक का एक जोड़ा, नौ से लेकर चौदह तक का एक जोड़ा, 15 से लेके 19 तक का एक जोड़ा, 20 से लेके 24 तक का एक जोड़ा, 25 से लेके 27 तक का एक जोड़ा, करना तो वैसे ही पड़ेगा बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 5 के फैक्टोरियल में एक पाँच, 7 के फैक्टोरियल में एक पाँच और 9 के फैक्टोरियल में एक पाँच, तो तीन पाँच तो यहाँ से हो गए ठीक है, और 11 के फैक्टोरियल में दो पाँच, 13 के फैक्टोरियल में दो पाँच, बस ना है ना ठीक है, चार यहां से हो गए, 15 के फैक्टोरियल में तीन पांच, 17 के फैक्टोरियल में तीन पांच, 19 के फैक्टोरियल में तीन पांच, तीन तरह का नौ तक 27 पांच यहां से हो गए, खतरनाक क्वेश्चन हो गया भैया ये तो। 21 के फैक्टोरियल में चार पांच, 23 के फैक्टोरियल में चार पांच, बस आठ पांच यहां से हो गए, 25 के फैक्टोरियल में छह पांच, 27 के फैक्टोरियल में छह पांच, बारह पांच यहां से हो गए, ये आंसर आएगा भैया। पिछला वाला प्रश्न तो मैंने ऑन इवन ऑड सब ले लिया था, अब आप इसका जवाब दे सकते हैं, 12 8 20, 20 20 40 और 47, 47 3 50 4 54, इसका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जिसने इस बात को नोटिस किया इसमें इवन फैक्टर तो है ही नहीं, ऑड फैक्टर है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखिए एक बार, ये है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ये वाला जो प्रश्न था उसमें एक से एक का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल, तीन का फैक्टोरियल, चार का फैक्टोरियल सब ले लिया था मैंने, यानी इवन ऑड सारे नंबर ले लिए थे, तो ये जो आंसर था सभी का था, ये आंसर आपका सिर्फ ऑड ऑड वाले का हो जाएगा। डेली क्लास करती हूँ ठीक है दोस्त।
क्लियर ब्रो, सेट है मामला। एक बार देखिएगा, काफी ज्यादा समझ में आया होगा आपको। चलिए, तो क्लासेस की पीडीएफ मेरे दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स भाई शुभम सर यूई पे ले लीजिएगा। क्लास की डीपीपी मिलेगी आपको, क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सुबह 8 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास जरूर लिया करिए। शाम 7 बजे तो आपको चैप्टर बाई चैप्टर में पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ। चलिए कुछ और प्रश्न जल्दी से करते हैं और क्लास को करते हैं समाप्त। 3-4 प्रश्न और कराने हैं आपको जल्दी जल्दी। चलिए अब लपेटिए तेजी के साथ, अब आपके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट बन चुके हैं। नीलम जी क्लास खत्म नहीं हुई अभी, भाई 4-5 प्रश्न और करने हैं जल्दी से, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को। चलिए भाई जल्दी से अब खत्म करते हैं क्लास। 30-30, 25-25 सेकंड का समय देते हैं आपको। प्रश्न कह रहा है 21 से 105 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पे क्या बनेगा। तो एक्चुअली ये प्रश्न वही है, बीच से स्टार्ट कर रहा है ना, तो हम समझ गए 150 के फैक्टोरियल यानी पूरी संख्या ले लेते हैं 1 से 150 तक का, उसमें से हम हटा देंगे क्या 1 से लेके 20 तक का, यानी 20 का फैक्टोरियल हटा देंगे, बेसिक सी बात है। तो 150 तक के फैक्टोरियल में कितने जीरो है वो निकाल के 20 के फैक्टोरियल को हम इसमें से हटा देंगे। चलिए खेल जाते हैं। 150 का फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए ना, नंबर ऑफ जीरो निकालिए इसमें, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15, 5 6 30, 5 1 5 यानी 36 और 1 37 जीरो यहाँ से हो गया, और इसके अंदर 5 6 20 4 जीरो यहाँ से हो जाएगा, यानी आंसर इस प्रश्न का आएगा भैया 33। 33 इज द राइट आंसर। अब धीरे धीरे लपेटते जाइए, ये प्रश्न हो चुका है बहुत तेजी के साथ। बातचीत नहीं यार, बहुत तेजी से आप खत्म कर रहे हैं। 21 से 150 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना था, हम जानते हैं कि एक से हम क्या करने वाले, वही काम करने वाले हैं, 1 से लेके 150 तक का मल्टीप्लाई करके 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को घटा देंगे, जीरो हटा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब 150 के फैक्टोरियल में से 20 के फैक्टोरियल को हमें हटाना है, मतलब डिवाइड करना है, तो मामला रफा दफा हो जाएगा। तो 150 के फैक्टोरियल में कितने जीरो 37, और 20 के फैक्टोरियल में कितने जीरो 4 जीरो, हटा दिया तो कितना बन गया 37 नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ईजी बात है, लीजिए आगे। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, बड़े ईमानदारी से करना, बहुत ईमानदारी से, जल्दीबाजी मत करना, आराम से। पच्चीस सेकंड है आपके पास, प्रश्न पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए भैया, हमसे कह रहा है कि 200 तथा 500 के मध्य, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मध्य बोल रहा है मेरे भाई, मध्य का मतलब इन बिटवीन, इन बिटवीन का मतलब आप समझ गए ना, इन बिटवीन का मतलब ना तो आपको 200 लेना है ना तो आपको 500 लेना है, आपको स्टार्टिंग इवन में कह रहा है ना, तो 202 से स्टार्ट करना है और फिनिश कहां करना है मेरे भाई, 500 नहीं, 500 से कम 498 पे फिनिश कर देना है, इवन इवन की बात चल रही है। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छी बात है ये। तो हम क्या करने वाले दोस्त, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेंगे सारे, स्टार्टिंग से लेने का मतलब हम ऐसे ले लेते हैं, 200 से लेकर 498 तक की सारी संख्याओं का निकाल के उसमें से 200 से लेकर 200 तक की संख्याओं को घटा देंगे, हो जाएगा मामला रफा दफा। चलिए भाई खेल जाते हैं। अब अच्छा ये बताइए मुझे, एक्चुअली ये आपको डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, दो की गैपिंग पे, तो मैं कह रहा हूँ यार इसका आधा करके इसको बना लो ना, क्योंकि आपको पता है कि हर दो की गैपिंग पर जो है इवन नंबर होता है, हर दो की गैपिंग पे इवन नंबर होता है मेरे भाई। तो अगर मैं देखूं कि एग्जैक्ट लगातार अगर संख्याओं की बात करूं तो 498 का आधा लगातार संख्याएं होंगी, यानी 2 × 4 2 × 4 8 2 × 9 18 249 लगातार संख्या होंगी, और उसमें से लगातार कितनी संख्या हटानी पड़ेंगी, 200 की गैपिंग पे, यानी 100 संख्या हटानी पड़ेगी। तो बस नंबर आप जीरो निकालिए, बस मामला रफा दफा करिए। 5 6 20 बचेगा मेरे भाई 4, 5 9 45 49, 5 8 40 5 9 45 9, 5 5 बस कितना बनेगा 59, जीरो में से हटाना पड़ेगा 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में 24 हटाना पड़ेगा मेरे भाई। तो आंसर ब्रदर जो निकल के आएगा अपना, वो निकल के आएगा 35 इज द राइट आंसर। इसको और जुगाड़ बता देता हूँ मैं, इसका और भी जुगाड़ बता देता हूँ, और इजी जुगाड़ बता देता हूँ, कहोगे तो और इजी बता दूंगा। एक बार देखो, वैसे ये बातें हो चुकी हैं, जब भी मेरे साथियों इवन नंबर्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे वो भी मैं बता सकता हूँ आपको बड़ी ईमानदारी से। क्या किया मैंने, समझ में आया आपको, कॉमन वगैरह नहीं निकाला,
सीधा खेल गए कि मुझे पता है कि जितनी संख्या होती है ईमेल उसका जस्ट आधे नंबर होते हैं ईमेल। जैसे 1 से 50 के बीच में 50 ईमेल नहीं होते, 25 ही ईमेल होते हैं, वैसे ही 1 से लेकर 498 के बीच में सारे ईमेल थोड़ी होंगे, आधे ईमेल होंगे, आधे ऑड होंगे। ऑड को हमने हटा दिया। अरे इवन में ही तो लिखा है, ये देखो सम लिखा है ना मेरे भाई, ये देखो प्रश्न में क्या लिखा है, सम लिखा है, इवन। गुरु जी कैसे पता चला कि इवन निकालना है? ठीक है, बता देते हैं डायरेक्ट। देखिए यार, ऐसे प्रश्नों को अब डायरेक्ट कैसे करेंगे एक बार समझिएगा। जब भी कभी ऐसे यहां से यहां तक की बात करेगा, जैसे बोला 21 से 150 तक की सभी संख्याओं में कितने जीरो बनेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके इसमें देखना कितने जीरो बनेंगे। 5 से 15 30 जीरो ये हो गए, फिर 30 के अंदर नंबर ऑफ जीरो देखिए, 5 6 30 6 जीरो ये हो गए, फिर 6 के अंदर नंबर ऑफ जीरो 5 6 5 एक जीरो ये हो गए, यानी 30 6 36 1 37 जीरो हो गए। उसमें से इसके पहले वाले जीरो अपन को नहीं चाहिए, तो कितने जीरो बनेंगे भैया, 4 जीरो इसके पहले बनेंगे, तो 37 में से 4 जीरो पहले बनेंगे, तो 33 जीरो, ये तो हो गया आपका आंसर। इधर आइए डायरेक्ट करते हैं। मैंने कहा 200 तथा 500 के मध्य बोला है, तो 200 तो लेना ही नहीं है अपन को, 200 तो लेना नहीं मेरे भाई, तो 200 एक्चुअली हमें स्टार्टिंग 201 से करना है, 202 से करना है और 498 तक करना है। तो ऐसा करने वाला हूं मैं, 498 तक ही अपने को करना है। ऐसा करने वाला हूं मैं, क्या करने वाला हूं कि हमें 200 नहीं लेना है, तो 1 से लेकर 498 तक के नंबर ऑफ जीरो निकाल के 1 से लेकर 200 तक के जीरो को हटा दूंगा। अब 1 से लेकर 200 तक के बीच में सारे इवन थोड़े होते हैं, 100 इवन होते हैं, 100 ऑड होते हैं। 1 से लेकर 498 के बीच सारे इवन थोड़ी होते हैं, आधे इवन आधे ऑड, यानी 249 इवन लगातार संख्याएं होंगी, और लगातार संख्याओं में नंबर ऑफ 5 की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ 24 बनेगा, और यहाँ 5 6 20 5 9 45 5 8 40 5 9 45 5 1 5 यानी अगर आप देखें तो 59 में से 24 हमें नहीं लेना है, तो हटा देंगे, तो आंसर 35 आएगा। 35 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, डन। बढ़ते हैं यार, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, काफी समय लग गया, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट में, थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे आगे, खत्म क्लास करते हैं आज की। पल्लवी जी इवन बोला है इसलिए हम इवन निकाल रहे हैं, क्या चल रहा है यार क्लास में, नहीं पढ़ना है तो बताओ तो बंद कर दें। चलिए ये HW आपके लिए करिएगा, ये करा दिया मैंने। 501 से 5000 तक की सभी संख्या को गुणा करना है, तो कुछ नहीं करना, 5000 के फैक्टोरियल में 500 के फैक्टोरियल को डिवाइड कर देता है। हिंट दे देता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, 5000 के फैक्टोरियल में डिवाइड कर देना है 500 के फैक्टोरियल का, क्योंकि 500 के फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो आएंगे वो अपन को नहीं चाहिए, सिर्फ इसमें से जो बचेगा वही वाला चाहिए, तो सॉल्व करिएगा इसको। अगला प्रश्न, इतने तक की सभी विषम संख्या, विषम संख्या को गुणा करने पे कोई जीरो नहीं बनता, कोई भी शून्य नहीं बनेगा भैया, कोई भी शून्य नहीं बनेगा, ये आप जानते हैं। विषम संख्या का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा 3 रहेगा 5 रहेगा 7 रहेगा, लेकिन कोई इवन नंबर नहीं आएगा, और कोई इवन नंबर नहीं आएगा तो नो जीरो, कोई जीरो का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई जीरो नहीं बनेगा भैया जब भी आप विषम संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक और प्रश्न कर लीजिए, बस खत्म करते हैं, हो गया समाप्त। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको अधूरे में छोड़ूं, तो अधूरे में नहीं छोड़ना चाहता। अगर आप लोग को बात करना है तो प्लीज मत आया करो यार, मैं 1-2 लोगों 5 लोगों को पढ़ा लूंगा, लेकिन वो ईमानदार बच्चे होने चाहिए, वो पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, वो सिलेक्शन देने वाले बच्चे होने चाहिए, मुझे कतई भीड़ की जरूरत नहीं है, सच में लिटरली मुझे नहीं चाहिए बच्चे, मुझे उतने बच्चे चाहिए जो अपने सपनों के प्रति ईमानदार हो, जो अपने काम के प्रति ईमानदार हो, जो अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार हो, जो मेरे प्रति ईमानदार हो, जो अपनी जर्नी के प्रति ईमानदार हो। ऐसे मौज मस्ती करके क्या ही कर लोगे यार, वो तो बतेरे लोग कर रहे हैं, बतेरे जगह कर रहे हैं, बतेरे चैनल पड़े हैं, जाके आप वहाँ आनंद ले सकते हैं। ये जगह सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और आपकी पढ़ाई और आपके सपनों को साकार करने के लिए है। इसके लिए बहुत सारे मेरे डेडिकेशंस हैं, वो आपको शायद अभी नहीं दिख रहे हों, लेकिन जब दिखेंगे तो शायद फिर समय नहीं रहेगा। तो बात करना हो तो प्लीज कोई और जगह देख लीजिए, पढ़ाई करना तो आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। पीछे प्रश्नों में डाउट हो तो पूछ लेना एक बार लास्ट में। चलिए मेरे दोस्तों, ये लगातार संख्या है, तो मैं क्या करूंगा, 5 के पावर 95 कॉमन निकालने वाला हूँ। 5 के पावर 95 अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा प्रोदत, बड़े ध्यान से देखना, 5 के पावर 95 कॉमन निकाल दूंगा, तो यहाँ बचेगा 5 के पावर 2 यानी 25 माइनस, यहाँ बचेगा 5 के पावर 1 यानी 5, यहाँ बचेगा 5 के पावर 0 यानी 1। हो गया मामला रफा दफा, एक बार बस देख लो ब्रैकेट के अंदर कोई 5 तो नहीं बन रहा है, तो 25 में से 5 घटाएंगे, 20 में से घटाएंगे तो 19, यानी कोई 5 नहीं बन रहा है, यानी जो भी 0 बनेगा सिर्फ यहां से बनेगा। तो 5 के पावर 95, बड़े ध्यान से देखना, 5 के पावर 95 यहां है, यानी हमारे पास 5 कितने हैं, 95 है।
चलो यहां देख लेते हैं दो कितने बन रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं यहां पे क्या कर लो, 2 की पावर 74 कॉमन निकाल दो उधर, 2 की पावर 74 अगर कॉमन निकाल दोगे तो ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 1, नीचे तो 1 बचेगा। अब आप समझ चुके हैं यहाँ पे एक्चुअली क्या हो चुका है दोस्तों, यहाँ हो चुका 5 के पावर 95 का 2 के पावर 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ संख्या के पावर किसमें है, 2 में कम है, तो नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मेशन जो होगा 74 होगा, 74 इज द राइट आंसर। क्लियर ब्रो, समझ में आया? ठीक है दोस्त, कोई डाउट हो तो पूछना, अन्यथा एक ऐसा सेम प्रश्न और दे देता हूं आपको, ये कर लीजिए बस, आज की क्लास को करते हैं समाप्त, जीरो थीरो में यहाँ पे होता है समाप्त। अगर आपको कोई डाउट हो तो अभी लास्ट में पूछ लो आप, क्योंकि हो गई है ऑलमोस्ट, मैंने जितनी भी बातें मुझे बतानी थी जिस लेवल तक की वहां तक की बातें मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है आपको, उम्मीद है कि आपको समझा पाया हूं, नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करवा सकते हैं आप, क्लास को दोबारा देख सकते हैं आप। लीजिए एक आखिरी प्रश्न और कर लीजिए, सेम पैटर्न का है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा जीरो थ्योरम में कुछ और आ सकता है, कुछ और बात हो सकती है। चलिए दोस्तों सेम प्रश्न है तो कर लेते हैं इसको भी, क्या करेंगे, छोटा पावर क्या है, 3 की पावर 121, तो 3 की पावर 121 तो हम निकाल देंगे कॉमन, यहां बचेगा 3 की पावर 2 यानी 9, यहां बचेगा 3 की पावर 1 यानी 3, यहां बचेगा 3 की पावर 0 यानी 1, तो अंदर बचेगा 5, तो 9 में से 3 घटाएंगे, 6 में से घटाएंगे 5, 5 1 5 आ जाएगा यहाँ पे, 3 का तो कोई काम वैसे भी नहीं है हमें। इधर देखते हैं, यहाँ तो बतेरे 2 रहेंगे लेकिन 1 5 का 1 2 से मल्टीप्लाई करके 1 0 बनेगा, ये तो हमें पता है, 1 ही 0 बनेगा इसमें, बाकी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 121 कॉमन निकाल देंगे, 2 की पावर 121 कॉमन निकाल देंगे, तो 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 1 यानी 1 सॉरी 2, और 2 की पावर 0 यानी 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 121 बचेगा, लेकिन 3 बतेरे हैं, 3 का 2 से सम्मिलन से कुछ होना ही नहीं है, 5 चाहिए, 5 अपने पास 1 ही है, 2 अपने पास 1 है, 1 5 का 1 2 से मल्टीप्लाई होके नंबर ऑफ जीरो की संख्या 1 बनेगी, मात्र 1 जीरो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ब्रदर, सेट है मामला, डन है दोस्त। तो मुझे लगता है यहाँ तक की कहानी बहुत होगी, बहुत लंबा चौड़ा मैंने डोज दे दिया आपको, जरूरी ये है कि आप इस बात को समझिए, समझाइए, सिखाइए, बताइए। अभी भी आपको कोई प्रश्न परेशान कर रहा है, कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे और आपसे चाहेंगे कल सुबह 8 बजे आप जुड़े, मॉक टेस्ट नंबर 42 तो आज हो गया था ना, कल मॉक टेस्ट नंबर 43 होना है दोस्त, कल मॉक टेस्ट नंबर 42 रेलवे का होना है, तो रेलवे का मॉक टेस्ट 43 होना है कल, और सुबह 8 बजे का समय है, सभी दोस्त जरूर जुड़िएगा। आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त, किसी दोस्त का कोई डाउट है तो एक बार अभी पूछ सकते हैं, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए, अन्यथा आपको करना पड़ेगा बड़े शिद्दत के साथ रिविजन, कोई डाउट हो आप दोबारा से सेट करिएगा। ठीक है दोस्त, दोस्त कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बताइए, अन्यथा आप जाके क्लास को अच्छे से करिएगा रिवाइज। जिन साथियों ने शुरू से क्लास लिया है वो बिल्कुल बात को बेहतर समझ पाए होंगे, जिनको समझ में नहीं आया है एक बार आप रिवीजन करेंगे बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैंने आपको सारे संसाधन दिया है कि आप मुझे कॉन्टेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ कर सकते हैं, आपको मैंने डाउट ग्रुप दे रखा, वहां डाउट शेयर कर सकते हैं आप मुझे, पर्सनली जो है मेरे जो आपके सोशल मीडियाज हैं वहां से, वहां पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से पूछ सकते हैं। या मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं सोच रहा हूं कि कल से मैं एक एक लोगों को पकड़ के उनकी उनकी प्रॉब्लम को जानूं लाइव क्लास के अंदर, सही रहेगा विचार भैया मेरे भाई? कल से मैं सोच रहा हूं, राम मुरत जी कह रहे सर जी क्वेश्चन नंबर जे देख लीजिए एक बार, ठीक है दोस्त देख लेते हैं जे वाला क्वेश्चन नंबर जे, जे 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 अच्छा ये वाला देखो यार, जे में कुछ भी नहीं था राम मुरत जी, 1 से लेकर 99 तक ये तो पूरा भाज्य संख्या है, सॉरी विषम संख्या है, यहाँ तो जीरो बनेगा नहीं, यहाँ क्या बनेगा, सिर्फ 5 बनेगा यहाँ, लेकिन अकेला 5 बनके तो जीरो बनाएगा नहीं, लेकिन इसने अलग से 12 2 दे दिया यहाँ पे, तो 2 12 है और 5 तो यहाँ पे बतेरे हैं ना, 5 भी है, 15 भी है, 25 भी है, 35 भी है, तो 5 तो बहुत है और 2 सिर्फ 12 है, तो 12 5 का 12 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 0 बनाएंगे राम मुरत जी। देखिए यार इसमें क्या दिक्कत है दोस्त, ठीक है ना मेरे भाई? और कोई डाउट किसी का है?
है तो बताइए, अन्यथा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। क्लास की पीडीएफ को मेरे दोस्तों आपके टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई शुभम सर यू पे अपलोड कर देते हैं, और आप करिएगा दबा के रिवाइज। इसकी डेली प्रैक्टिस पेपर में कर दूंगा अपलोड। अब आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को कितना बेहतर और कितना शिद्दत के साथ रिविजन में लेते हैं। ये सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसकी है भैया? आपकी है। आप करेंगे ठीक होगा, नहीं करेंगे आप जिम्मेदार है भाई, मैं क्या ही कह सकता हूँ इसमें। चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग 8 AM। हो गई आज की क्लास समाप्त। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, थोड़ा सा आपने स्टार्टिंग में डिस्टर्ब कर दिया मुझे। अगर आप शुरू से सब लोग टाइम पे होते, फोकस करके पढ़ रहे होते, तो क्लास अपने निर्धारित समय पे ही समाप्त होती, लेकिन दिक्कत आ गई। आप मुहूर्त करें 5:11 ही आ रहे हैं सर। अच्छा 5:11 आ रहा, अभी देख लेते हैं दोस्त 5:11 कैसे आ रहा है, एक बार देख लीजिए तो। हाँ है ब्रो, 5:11 आ रहा है भाई। 1 से लेकर 99 के बीच 5 ढूंढना है ना, 5 ढूंढना है, तो 99 पे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 99 का आधा तो नहीं कर रहे हैं आप? अच्छा 99 का आधा कर रहे हैं। अच्छा ऑड नंबर है क्या यहाँ पे? ओहो, एक बार देख लेते हैं। सही कह रहे हो आप, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब 1 से 99 के बीच सारे 5 सभी ऑड नहीं होंगे, इसके आधे ऑड होंगे, यानी एक तरीके से 50 ऑड होंगे। 50 के अंदर अगर हम 5 ढूंढेंगे, 5 से 10 बार में, 5 से 2 बार में, 12 तो बनेंगे यार, 12 5 तो रहेगा ना। अच्छा 100 है नहीं इसके अंदर, 100 तो है नहीं इसके अंदर। 99 मतलब 48 49 5 से 9 बार में, 5 से 1। अरे एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं दोस्त, इसमें कहाँ गड़बड़ी हो रही है। इसको मैंने हल्का सोचा, इसने तो हैवी डोज दे दिया भैया। यहाँ 12 5 तो है, बिल्कुल सही बात है। 1 से लेकर 99 के बीच कितने 5 आते हैं वो देख लेते हैं, वो भी ऑड नंबर के अंदर। तो 1 से 99 के बीच में ऑड बनेंगे इसके आधे, यानी एक तरीके से मान लेते हैं 49 क्योंकि विषम लेना है ना। अच्छा 99 लेंगे तो 50 ऑड बनेगा है ना। 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होंगी? 50 ही तो होंगी, ठीक है 50 होंगी, 50 ऑड बनेगा मेरे पुत्र। 50 ऑड के अंदर 5 ढूंढेंगे, तो 5 से 10 बार में, 5 से 2 बार में, नहीं 12 12 बन रहा है, 12 का 12 से मल्टीप्लाई होकर 12 ही बनेगा दोस्त, 12 ही बनेगा दोस्त, 11 नहीं 12 बनेगा दोस्त। एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको डाउट हो तो एक बार पर्सनली आप पूछ लीजिएगा ये प्रश्न को। वैसे इसका आंसर 12 आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक टोटल 50 नंबर है। 1, 3, 5, 7 ऐसे जोड़ेंगे, टोटल 50 जो है ऑड नंबर होंगे। और अगर आप ध्यान से ऐसे मैनुअली भी जोड़ें तो 1 5 है, 1 15 है, 25 के अंदर 2 है, 1 35 है, 1 35 है, 1 45 है, 1 55 है, 65 है, 75 के अंदर फिर से 2 है, 85 है, 95 है। अब जोड़ के देख लीजिए, हर लाइन में 1 मिल गए, 10 तो ऐसे हो गए, 25 में 1 एक्स्ट्रा हो गया, 55 में 1 एक्स्ट्रा हो गया, 10 2 12 5 मिल गए ना। तो 12 5 का 12 5 से मल्टीप्लाई होकर 12 0 बनेंगे। इसका बिल्कुल सही जवाब था 12 मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को समाप्त। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जाके पीडीएफ को करिएगा रिवाइज। हो गई आज की क्लास को समाप्त, तो मिलते हैं आपसे।